में कुछ हिस्ट्री है माइक्रो प्रोसेसर की, जो नोट्स आपसे शेयर किए गए हैं, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। बाकी ये ब्रीफ थोड़ा सा मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ, देन वी स्टार्ट इंटरनल आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर। ओके, कुछ की वर्ड्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, ये माइक्रो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसको, अदरवाइज यू हैव टू राइट MICRO, माइक्रो। सो सिंबल यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट थिंग इज माइक्रो प्रोसेसर साइज। सो जब आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, सो इट इज़ अ मीनिंग द साइज ऑफ द डाटा बस। ठीक है, तो उसमें डाटा कितना वो लेट्स से ट्रांसफर कर सकता है, इट कैन परफॉर्म द रीड ऑपरेशन और राइट डिपेंडिंग अपॉन के क्या ऑपरेशन है। ओके, द सेकेंड वन इज माइक्रो प्रोसेसर पावर, इसको मिप्स कहा जाता है। मिप्स शॉर्ट फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड का, जो हमारे आज के लेटेस्ट प्रोसेसर हैं वो मिप्स के ऊपर डील करते हैं। तो आपसे कोई इस तरह की चीज़ पूछता है लेट्स से कि पावर क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है एक सेकेंड में। सो वी हैव टू स्टडी द माइक्रो प्रोसेसर बाय इंटेल ओनली। बुक आपसे मैंने शेयर कर दी थी, उसका 8th एडिशन हम फॉलो करेंगे, और जो चैप्टर वन है इसमें फर्स्ट थ्री आर्टिकल जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। सो कोर्स जो प्लान है 16 वीक, वो भी आपसे शेयर कर दिया गया है। सो वी विल लेट्स से स्टार्ट द लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ द इंटेल माइक्रो प्रोसेसर। सो ये टेबल आपसे शेयर कर दिया गया है। सो इन द फर्स्ट कॉलम लेफ्ट मोस्ट वी हैव ईयर, देन द नेम ऑफ द डिवाइस। ओके, दिस इज कॉल्ड द डाटा बस और साइज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। सो दिस नंबर विल बी इन द बिट्स। ठीक है, इसका ख्याल रखना है आपने, ये नंबर ऑफ बिट्स हैं। सो नेक्स्ट वन इज एट साइज ऑफ द एड्रेस बस। सो कौन सा स्टोर में एड्रेस हम कहाँ यूज करते हैं, एनी स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास? यस, शाबाश, बताएं एड्रेस का क्या रोल होता है, हमने कहीं पढ़ा है DLD में एड्रेस को कहीं यूज किया हो? व्हाट इज द लिंक विद द मेमोरी? सर इसमें हम उसको एड्रेस बताते हैं, फिर वो उस मेमोरी में देखता है कि वो एड्रेस कहाँ पे है, फिर उस डाटा को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, हमारे ये बताएं कि विच टू ऑपरेशन आर एसोसिएटेड विद मेमोरी, मेमोरी के साथ कौन से दो ऑपरेशन हैं जो एसोसिएट होते हैं? रीड एंड राइट। ठीक है, शाबाश, वी कैन रीड द डाटा और राइट द डाटा। सो एड्रेस बस का डिकोडर के साथ ताल्लुक क्या होता है? उमर, मोहम्मद उमर फारूक, आप बताएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एड्रेस एंड डिकोडर? ओके, एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास? सो डिकोडर का क्या फंक्शन होता है मेमोरी में? सर एड्रेसेस जनरेट करना। एड्रेसेस जनरेट करना, ठीक हो गया। ये जो प्रीवियस आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वी विल आल्सो स्टडी दीज। सो एड्रेस बस आपने ध्यान में रखना है कि इसका साइज होता है कि मेमोरी आप कितनी लेट से बना सकते हैं इसे। सो देन द नेक्स्ट कॉलम फॉर द इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, देन द नेक्स्ट कॉलम फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड द लास्ट कॉलम फॉर द एडिशनल फीचर्स। ओके, ये ब्रीफ हिस्ट्री हम आपको देंगे, तो जो फोकस हम करेंगे, जैसे पिछली क्लास में बात की थी हमने कि 8086 और 88 के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1971, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बाई इंटेल वाज 4004। सो इसमें जो डाटा बस का साइज था वो 4 बिट्स का डाटा आप लेट से ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते थे। देन द साइज ऑफ द एड्रेस बस इज 12 बिट्स। सो ये कौन बताएगा कि ये 4K कैसे आ गया? सो डिकोडर को यूज़ करके यू हैव टू जनरेट 4K डिफरेंट एड्रेसेस। सो 2 raised to power 12 विल बी 4K। इसको ब्रेक करेंगे आप 2 raised to power 10, दैट इज़ के, द रिमेनिंग बिट्स आर 2, सो 2 raised to power 2 विल बी 4। सो ये जो कॉलम है ये आपने देखना है, ख्याल रखना है, दिस कॉलम विल बी इन द बाइट्स। सो दिस विल बी 4 kilobytes जो उसके साथ आप मेमोरी लेट से इंटरफेस कर सकते थे एट दैट टाइम। सो 50K इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड उसका लेट से स्पीड है या पावर थी, 45 डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी, और ये इसके डिफरेंट फीचर्स हैं कि कंट्रोल सिस्टम्स या इन चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता था। ओके, अब जो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होंगी वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। देन इन 1972 8008 वॉज द फर्स्ट 8-bit माइक्रो प्रोसेसर। सो द साइज ऑफ द डाटा बस विल बी ऑफ 8 बिट्स, और एड्रेस बिट्स जो हैं दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 12 टू 14। सो 2 raised to power 14 करेंगे, सो दिस विल बी 16K।
नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड को भी इंक्रीज किया गया, तीन और इंस्ट्रक्शन ऐड की गई फ्रॉम द 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर और क्लॉक साइकिल्स को ऐड किया गया। ओके देन 8080 में थोड़ा सा और मेमोरी को इंक्रीज किया गया, इट इज़ ऑल्सो द 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर। ओके देन इन दो के ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है। सो 1978-8086 वाज फर्स्ट 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर। सो जब 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है तो आपने ये याद रखना है कि जो उसका डाटा बस का साइज है वो 16-बिट है, ठीक है। एंड द मेमोरी विच वी विल इंटरफेस विद 8086, सो एड्रेस बस का साइज 20 बिट्स है। सो 2^20 करें सो दिस विल बी 1 मेगा, और साथ कैपिटल बी लिखा जाता है बाइट्स के लिए और स्मॉल बी यूज़ करते हैं बिट्स के लिए। देन 2.5 मिप्स का मतलब ये होता है इट कैन एग्जीक्यूट 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि 117 बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं और जो विद द वेरिएशन ऑफ 20,000। ओके देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड द प्री फेच क्यू। सो यहाँ साथ लिखा हुआ है 4 to 6 प्री फेच क्यू। सो एनी स्टूडेंट कोई मुझे बता सकता है कि कैशे मेमोरी का वर्ड किसी ने सुना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैशे मेमोरी? एनी स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास एनी आइडिया अबाउट द कैशे मेमोरी? सर उसके अंदर मेरे ख्याल से रॉ फाइल्स जो पड़ी होती हैं उसके को कैशे मेमोरी कहते हैं। कैशे मेमोरी ठीक है। एनी अदर आइडिया? एनी अदर स्टूडेंट हैव यू हर्ड अबाउट द कैशे मेमोरीज? जंक फाइल्स जो होती हैं। जंक फाइल्स होती हैं ठीक है। ओके एनी अदर कोई और जहन में आती है चीज? इंस्ट्रक्शंस के साथ कोई लिंक है इसका? कंप्यूटर के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे तो उनको थोड़ा सा बताना चाहिए इसको। इंस्ट्रक्शन साइकिल का आइडिया आपको कि सबसे पहले फेच की जाती है इंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है, एंड द लास्ट फेज इज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ओके चले ठीक है फाइन। सो एक चीज़ थोड़ा सा जहन में रख लें, फिर मैं इसकी फर्दर डिटेल में आऊँगा जब आगे दोबारा इसका वर्ड आएगा। कैशे मेमोरी का जो ओरिजिनल नेम था फर्स्ट, इसको प्री फेच क्यू कहा जाता है। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब तो बताना चाहिए आपको, व्हाट इज मेंट बाय प्री? सर पहले। पहले ठीक हो गया शाबाश। ओके क्यू का मतलब क्या होता है? सर ये डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था। क्यू का मतलब क्या होता है कि एक लाइन या कतार में आ रही चीजें लाइन बाय लाइन? यस सर। ठीक है अच्छा, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। ओके प्री का मतलब है कि आपने पहले से फेच कर ली। फेच का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक मेमोरी में पड़ी होती है, जिसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी, जिसमें आपका प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं। इंस्ट्रक्शन में बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो ये जहन में रख लें कि इंस्ट्रक्शन में लेट से मैं कहता हूँ कि अगर 16-बिट की इंस्ट्रक्शन है सो 16 बिट्स के अंदर डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं इंस्ट्रक्शन में, कि सोर्स क्या होगा। ठीक है लेट से मैं एक इंस्ट्रक्शन आपको बताता हूँ कि दो रजिस्टर्स हैं R1+R2, तो आप क्या कर रहे हैं दोनों के कॉन्टेंट्स को ऐड कर रहे हैं और एरो लगा के आपने लिखा R3। सो यू हैव टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ R1+R2 दैट विल बी स्टोर्ड इन R3। सो इट इज़ कॉल्ड लेट्स से 1 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी या लेट्स से कॉम्प्लीमेंट होगा या शिफ्ट ऑपरेशन होगा, ये चीज़ आपको बताती है ऑपरेशन कोड, जिसको ऑप कोड कहा जाता है। ठीक है सो ये चीज़ आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर पड़ी होती है, और इंस्ट्रक्शन के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 4। सो प्री फेच का मतलब है कि आपने पहले से फेच करके रख ली, जिसको लाइन से गुजारना नहीं पड़ रहा बल्कि लाइन को स्किप कर रहा है। ओके जो मेमोरीज होती हैं हमारी जो हमने पढ़ी थी TLD में, लेट से रैम है या रोम है जिसमें आपका डाटा पड़ा होता है, इनहेरेंटली ये स्लो डिवाइसेस होती हैं एज कम्पेयर टू द प्रोसेसर। प्रोसेसर जो आपका होता है वो फास्ट क्लॉक के ऊपर चल रहा होता है। तो दो चीज़ें जिसकी स्पीड कम है या ज़्यादा है तो इसको किसी कॉमन क्लॉक के ऊपर लेके आना होता है, इनको सिंक करना होता है। ठीक है तो उसके लिए कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। तो कैशे मेमोरी में क्या था कि लेट से एक इंस्ट्रक्शन आपने लेट से एडिशन, आपने जो मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको पता लग गया कि लेट से दैट वाज दैट विल बी सब्ट्रैक्शन। तो जिस वक्त प्रोसेसर लेट से फेच करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड या एग्जीक्यूट कर रहा था, तो उस वक्त आपने जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो पहले से फेच करके कैशे मेमोरी में ले आए। सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, और इसको कहा जाता है पाइपलाइनिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। इसको कहा जाता है कि लेट से पहली इंस्ट्रक्शन फेच की गई दूसरे साइकिल में, साइकिल का मतलब होता है नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में, को जब प्रोसेसर उसको डिकोड कर रहा है तो आप नई इंस्ट्रक्शन फेच करके पहले से कैशे मेमोरी में ले आएँ, ताकि ओवरऑल जो स्पीड है आपके सिस्टम की उसको फास्ट किया जा सके। सो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है कि कैशे मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट था एट दैट टाइम। ओके देन
The second variant of 8086 was 8088. It is also the 16-bit microprocessor. अच्छा यहाँ एक छोटा सा कीवर्ड लिखा हुआ है, इंटरनली दे आर बोथ 16-bit microprocessor. अब एक और न्यू चीज आई है कि व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल. इंटरनल का मतलब ये है कि प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन जो मेमोरी है या जो रजिस्टर्स हैं उसका साइज क्या है. सो ये याद रखना है, बोथ ऑफ देम आर इंटरनली 16-bit microprocessors, बट इन केस ऑफ 8088 द साइज ऑफ द एक्सटर्नल डाटा बस वाज 8-bit. सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन 8086 एंड 88. ठीक है, इसको बार बार जब दोबारा यूज़ किया जाएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में आगे हम इसको यूज़ करेंगे, तो 86 जब कहा जाए आपको तो 8086 होगा और 88 कहा जाए तो 8088 होगा. ये आपने फर्स्ट डिफरेंस याद रखना है. जो मेमोरी का साइज़ है जो उसके साथ इंटरफेस की जा सकती है दोनों के केसेज में सेम है, दैट इज़ 1 मेगा बाइट. 1 मेगा बनाने के लिए भी आपने बातें दो याद रखनी है कि एड्रेस बस का साइज इसमें 20 बिट्स होता है, दैट्स वाई वी हैव 1 मेगा. ओके, बट इन केस ऑफ 8086 द साइज ऑफ द एक्सटर्नल डाटा बस वॉज ऑल्सो 16-bit. बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा बस वॉज ऑफ 16-bit इन केस ऑफ 86, बट इन केस ऑफ 88 द साइज ऑफ द एक्सटर्नल डाटा बस विल बी ऑफ 8-bit. एक्सटर्नल जब हम बात करते हैं डाटा बस, तो इसका मतलब ये होता है जब आप डिफरेंट डिवाइसेज अटैच करेंगे विद द प्रोसेसर, व्हेन वी विल स्टडी द डिफरेंट इंटरफेसिंग डायग्राम कि जो प्रोसेसर के साथ डिफरेंट डिवाइसेज को जोड़ा जाएगा. मेमोरी इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट वी हैव टू ऑल्सो इंटरफेस सम आईओ डिवाइसेज और टाइमर्स और सीरियल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. सो उस केस के अंदर एक्सटर्नल जो डाटा बस है वहाँ पर उसका रोल आता है. ओके, सो देन इन 82 देर इज अनदर प्रोसेसर दैट वॉज इंट्रोड्यूस बाई इंटेल, 286. It is also a 16-bit microprocessor, but the address, jo bits hain, that was increased from 20 to 24. So 2 raised to power 24 karenge, so this will be 16 megabytes. So memory iske sath aap zyada interface kar sakte hain, say at that time. So instructions per second is also increased, aur clock ki jo speed hai, that is also increased to 8 megahertz at that time. Okay, aage chalte hain. So ek aur keyword hai jo baar baar use hoga, so ye bhi aap yaad rakh lein, jo kuch key terminologies hain. सो बस साइकिल का कहीं अगर वर्ड आता है, द मीनिंग ऑफ द बस साइकिल इज 4 क्लॉक साइकिल्स. ठीक है, इस थोड़ा सा हमने टाइमिंग डायग्राम को डिस्कस किया था इन द कोर्स ऑफ DLD व्हेन वी स्टडीड द रीड एंड राइट टाइमिंग डायग्राम इन केस ऑफ मेमोरीज. सो इट विल टेक द 4 क्लॉक साइकिल्स. ठीक है, तो पहले एड्रेस आएगा, फिर हम लेट से डाटा को राइट करेंगे, डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स हमें ज़रूरत पेश आते हैं, तो वो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, दैट वॉज इन कोर्स ऑफ DLD. ओके, then 386 in 1985, it was first 32-bit microprocessor. Okay, so इस केस में जो इंटरनल रजिस्टर्स होंगे, ये बात आपने याद रखनी है कि that will be of 32 bits. और size of the address bits is also increased from 24 to 32. So 2 raised per 32 करेंगे तो 4 giga कैसे आएगा, 2 raised per 30 will be 1 giga. So the remaining address bits will be 2, so 2 raised per 2 will be 4. ओके, देन बस साइकिल इंक्रीज किया गया फ्रॉम 2 टू 4 क्लॉक साइकिल इसमें ऐड किए गए. सर ये 2 टू रिस्पोंस जिस क्या था 32 में, ये समझ नहीं आई. ओके, एड्रेस बिट्स अगर 32 हैं, सो साइज ऑफ मेमोरी कैलकुलेट करने के लिए यू विल टेक 2 रेज टू पावर 32. सो 2 रेज टू पावर 30 क्या होता है, 1 गीगा. ठीक है, तो रिमेनिंग बिट्स कितनी बच जाएंगी फैसल, 32 में से अगर 30 हमने 1 गीगा लिख दिया, 2 बच जाएंगी. सो 2 रेज टू पावर 2 विल बी 4. So that's why यहाँ पे 4 गीगा लिखा हुआ है. क्लियर है बात? यस सर, ठीक है. ओके, देन 486 इज आल्सो 32-bit माइक्रोप्रोसेसर. एड्रेस बिट्स आप देख रहे हैं दोनों में सेम है. यहाँ पे ये देखें, पहली दफ़ा इस कॉन्सेप्ट को, कैशे मेमोरी को, प्री फेच क्यू के बाद नया नाम इसको दिया गया इन 1989. यहाँ देखें 4 गीगा प्लस 8 किलोबाइट लिखा हुआ है और साथ कैशे लिखा हुआ है. ठीक है, और देन वी हैव ऑल्सो बिल्ट इन मैथ को प्रोसेसर, जो कि मैथ के जो प्रोसेसिंग है उसको डील करता था. ठीक है, सो ये इसमें डिफरेंट फीचर्स को ऐड किया गया. देन 1993 में पेंटियम को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया और इट वाज फर्स्ट 64-bit माइक्रो प्रोसेसर. सो इसमें जो आपको रजिस्टर नजर आएंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम इसका इंटरनल आर्किटेक्चर देखेंगे, सो उस केस में 64-bit आपको रजिस्टर नजर आएंगे. ठीक है, और 16K कैशे का साइज इंक्रीज किया गया, 8K हमने इंस्ट्रक्शन के लिए रख लिया और 8K जो है वो डाटा के लिए रख लिया, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जो इमीडिएट जिसको लेट्स से अटेंशन की ज़रूरत होती है, वो डाटा आप जो है कैशे मेमोरी में रखते हैं.
ये 110 mbps से है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, और देन डाटा जो स्पीड बस है उसकी वो 66 मेगाहर्ट्ज़ है, देन डुअल प्रोसेसर का भी कॉन्सेप्ट आया इसके बाद। ओके, पेंटियम एंड अबव जो माइक्रो प्रोसेसर थे उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ शुरू हुई थी, उसका कहा जाता है सुपर स्केलर टेक्नोलॉजी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लें कि जब लेट से कोई वाइवा या कुछ डेफिनेशन आपसे पूछी जाती हैं तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सो वट इज़ मैंट बाई सुपर स्केलर? So independent instructions can be executed by parallel processing units. ठीक है, independent instructions का मतलब है कि जो different processing units हैं वो अपना अपना काम करेंगे। लेट्स से dual का मतलब two होता है कि अगर दो processor हैं, लेट्स से यहाँ से start कर लेते हैं तो दो units आपके पास होंगे, that's why dual का मतलब दो processor हैं, और दोनों के अपने अपने instruction set होंगे। That's why यहाँ पे जो keyword है that is independent instructions. Can be executed by a parallel processing unit sharing the same register set. Register set same होंगे, but ये बच्चे कोई बात करना चाहते हैं अपना माइक ऑफ करें। Fine. Okay. ये क्लियर है बात आपको? सो दे आर यूजिंग द सेम रजिस्टर सेट। रजिस्टर सेट का मतलब है कि जो इंटरनल रजिस्टर्स हैं आर सेम, बोथ ऑफ द सेम टाइप, बट देयर इंस्ट्रक्शन सेट आर इंडिपेंडेंट और डिफरेंट। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, इसको कहा जाता है हाइपर थ्रेडिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लें, थोड़ा सा इसको समझ लें की टर्मिनोलॉजीज हैं थोड़ी। ये मल्टी थ्रेडिंग है या लेट्स से हाइपर थ्रेडिंग है। सो मैनी माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। दिस टेक्नोलॉजी कंटेन्स मैनी माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, सो ईच कंटेनिंग इट्स ऑन रजिस्टर सेट। अगर रजिस्टर सेट भी अपना होगा और वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रही हैं, दैट इज लिंक्ड विद अदर माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर्स, सो दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड हाइपर थ्रेडिंग। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है सुपर स्केलर, कि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, उनका रजिस्टर सेट जो है, इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, बट दोनों का अगर इंस्ट्रक्शन सेट भी सेम है और रजिस्टर सेट भी सेम है, और इस फीचर में क्या होता है कि लेट्स से एक प्रोसेसर एक कोई टास्क परफॉर्म पहले कर लिया अगर उसने, सो वो आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं यूजिंग लेट्स से वर्टिकल इंटरफेस होता है जिसको थ्रू सिलिकॉन वायर कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट वायर्स होती हैं जिसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है सिलिकॉन कॉपर वायर्स। सो जब आप मल्टीपल कोर्स को कनेक्ट करते हैं, सो दीज आर कनेक्टेड बाय TSVs। TSV एब्रीवेशन है थ्रू सिलिकॉन वायर। ठीक है, वायर का मतलब होता है वर्टिकल इंटर कनेक्ट एक्सेस, कि वर्टिकली आप कोर्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन जो कोर आई सीरीज है दैट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2002। इस केस में जो डाटा बस का साइज है दैट इज 128 bit। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट आगे जनरेशन और सीरीज हैं, और जो आर्किटेक्चर है इसको 64 bit आर्किटेक्चर या 32 bit, दो मेजर आर्किटेक्चर फॉलो हो रहे होते हैं कि 32 bit आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं आप या 64 bit है। ठीक है, इसमें डिफरेंट इसके फीचर्स और वो चीज़ें आप देख सकते हैं। सो थोड़ा सा ये हिस्ट्री है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1980 टू 2000 तक, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस किया है। सो चैप्टर इस बुक में मौजूद हैं, जो आगे की वाली चीज़ें जो है उसको भी डिस्कस किया गया है। सो एक असाइनमेंट जो दूसरे सेक्शन में सर ने फ्लोट की है उसमें चाहते हम ये हैं, एक पेज और मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करूँगा जिसमें इनके जो फीचर्स हैं डिफरेंट प्रोसेसर्स के, फीचर्स का मतलब ये होता है कि साइज ऑफ डाटा बस क्या है, एड्रेस बस क्या है, कितनी इंस्ट्रक्शंस को ये डील कर सकता है, मेमोरी का साइज़ क्या है, और कौन कौन से इसमें फीचर्स हैं। सो हम चाहते ये हैं इस असाइनमेंट में कि आप 2000 से ऑनवर्ड जिस एज में अभी हम हैं 2020, सो कुछ प्रोसेसर्स लें उनकी फैमिलीज और उसके एडिशनल फीचर्स टेबल की फॉर्म में लेट से वो आपको सबमिट करवाना होगा। ठीक है, लेकिन ख्याल ये करना है कि बहुत सारी जनरेशन और टाइप्स होती हैं, सो फोकस कर लें। लेट से ये कोर सीरीज है, सो कोर i3 ले लें कुछ प्रोसेसर, देन 5, 7 और कुछ जनरेशन के बारे में भी उसकी जो है वो टेबल की फॉर्म में डिस्कस कर लें। उसको ज़्यादा डिटेल और वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, की फीचर्स आपने डिस्कस करने इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, और उसका रेफरेंस लाजमी दीजिएगा। कौन कौन सी जनरेशन को कर लें, जो अभी लेटेस्ट है आप जो लेटेस्ट जनरेशन है वो ले लें आप। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करेंगे आप 2000 से। ठीक है, लेट से डुअल कोर है, क्वाड कोर, ऑक्टा का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता आया, तो फिर उसको लेके चल पड़े, यानी एक चैनल बना लें। ठीक है, तो कि कैसे कैसे इसमें एवोल्यूशन आई है और अब जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट कौन सा है। तो इंटेल को फोकस करना है आपने और सीरीज देख लेना है, उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। ये ना हो आप सारे वेरिएशन उसको लिखना शुरू कर दें, सो दैट विल कंज्यूम मोर टाइम। सर, इंटेल के प्रोसेसर के मसलन जनरेशन को देख के उसको हमने थोड़ा सा उसके की फीचर्स लिया ना।
हाँ जी हाँ जी, टेबल की फॉर्म में देना है, इसी का ख्याल रखना है आपने। ओके, देन द सेकंड आर्टिकल ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पीसी। पीसी पर्सनल आपका जो कंप्यूटर है उसको शॉर्ट फॉर्म में पीसी कहा जाता है। सो ये थ्री मेजर ब्लॉक्स हैं जिनको लेट से हमने स्टडी करना है। सो इसमें थोड़ा सा आप इसको समझ लें। सो ये कौन बताएगा, ये जो डबल एरोज है लगे होते हैं इसका क्या मतलब होता है? एनी स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल होता है, वाई बाई डायरेक्शनल क्यों होता है बाई डायरेक्शनल, कोई रीजन बता सकते हैं? कर सकते हैं, डाटा रिसीव कर सकते हैं, डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। सो बाई डायरेक्शनल इसको कहा जाता है। सो दीज आर कनेक्टेड बाई डिफरेंट बसेस। बसेस की टाइप्स कौन कौन बता सकता है? लेट्स से एक एड्रेस की हमने बात की, और डेटा बस होती है जिसके थ्रू डेटा बस होती है, ठीक है, और एक और बस होती है जिसको कहा जाता है कंट्रोल बस, ठीक है। ये याद रखना है, अगर चीज़ें साथ साथ आप लिखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत लिख लिया करें, बाकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, कुछ और बातें भी होती हैं जो अगर आपको लगता है कि सो उसको लिख दिया करें। सो देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ बसेस इन द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। सो वन ऑफ देम इज एड्रेस। एड्रेस बस का रोल आता है मेमोरीज के साथ, ठीक है, और वो यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है कि लेट्स से किसी भी डिकोडर के थ्रू या कोई और मैकेनिज्म के थ्रू यू हैव टू जनरेट सम एड्रेसेस। जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म हमने पढ़े हैं DLD में, कि लेट्स से डिकोडर से बना लें और फिर लेट्स से उसकी कॉन्सिडेंट डिकोडिंग कर लें और लेट्स से मल्टीप्लेक्सिंग कर लें, देर आर डिफरेंट वेरियंट्स जो हम पढ़ चुके हैं कि लेट्स से उस तरीके से एड्रेस बनाया जा सकता है। बट जो एड्रेस बस होती है इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, एक नंबर जनरेट होगा और मेमोरी के किसी खास लोकेशन पे आपको ले जाएगा। देन द सेकंड टाइप ऑफ बस इज डेटा बस। डेटा बस इज बाय डायरेक्शनल, ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं चीज़ें। बाय डायरेक्शनल क्यों होती है? वाई? बिकॉज इट कैन ट्रांसमिट और रिसीव द डाटा। यू है, यू कैन ट्रांसमिट द डाटा और यू कैन रिसीव द डाटा। सो विच टू ऑपरेशन आर एसोसिएटेड? यू कैन रीड द डाटा और यू कैन राइट द डाटा, ठीक है। सो थर्ड टाइप ऑफ बस इज कंट्रोल बस। सो कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल सेंड करती है लेट्स से टू पर्टिकुलर डिवाइस। अगर मेमोरी और प्रोसेसर को आप, अभी तो बिल्ट इन हमारे पास आ रही हैं मेमोरीज, सो उसमें क्या होता है कि जो लेट्स से प्रोसेसर है या और एनी अदर डिवाइस, दे विल सेंड द सिग्नल्स टू दैट पर्टिकुलर डिवाइसेज टू आइदर रीड द डाटा लेट्स से और राइट द डाटा। सो रीड का सिग्नल एक कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है, और राइट का सिग्नल एक कंट्रोल सिग्नल है, अगर हम मेमोरी और प्रोसेसर की बात करें, जो आपने देखा भी है DLT में कि इन दो सिग्नल्स का क्या काम होता है। ओके, देन ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड वी हैव अ मेमोरी सिस्टम। सो मेमोरी सिस्टम में DRAM और SRAM, ये दो रैम की टाइप्स हैं। इनमें डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत बताया था हमने कि DRAM डायनेमिक रैम है, SRAM स्टैटिक रैम होती है। देन कैशे मेमोरी का आज थोड़ा सा आपको बताया कि कैशे मेमोरी में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ROM, फ्लैश मेमोरी है और ये सिंक्रोनस DRAM है या DDR, जो अब डबल डाटा रेट ट्रांसफर करती है आजकल, तो ये DDR के ऊपर ही आगे इसके डिफरेंट वेरियंट्स आ रहे हैं। देन प्रोसेसर की बात की जाए तो मेजर, दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूँ, ये अपने जहन में बिठा लें, सो वी विल फोकस मोस्टली ऑन 8086 और 88, ठीक है, और 386 या 486 है जो प्रोसेसर का साइज चेंज होता है तो उनको देख लिया जाता है। देन द थर्ड टाइप ऑफ द मेजर ब्लॉक दैट इज IO सिस्टम। आई का मतलब इनपुट, स्लैश ओ का मतलब आउटपुट है, ठीक है। सो IO डिवाइसेज के साथ भी कुछ इनपुट डिवाइसेज होती हैं, कुछ आउटपुट होती हैं। लेट्स से प्रोसेसर के साथ आप कीबोर्ड इंटरफेस करते हैं तो कीबोर्ड्स के जरिए से लेट्स से डाटा सेंड किया जाएगा टू दैट सम पर्टिकुलर एड्रेस, और अगर प्रिंटर है लेट्स से आपका डाटा कहीं स्टोर है लेट्स से हार्ड में या किसी और जगह के ऊपर जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस केस में लेट्स से फ्लॉपी उस वक्त ही आप ख़त्म हो चुकी है, हार्ड डिस्क है, माउस इज ऑल्सो एन IO डिवाइस, प्रिंटर है, स्कैनर है और यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है USB को। इसके भी डिफरेंट वेरियंट्स हैं कि कौन कौन से कनेक्शन हैं और बसेज कौन कौन सी हैं, इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है एक लास्ट में। सो ये एक मेजर ब्लॉक डायग्राम है कि कौन कौन से आपके पास सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। सो इसको वन बाय वन देखेंगे हम। सो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं कि जो मेमोरी और IO सिस्टम्स हैं। सबसे पहले डिस्कस किया गया है कि मेमोरी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और चीज़ें आपसे आ सकती हैं, ये जो हम पार्ट अगला डिस्कस करने लगे हैं, तो ये थोड़ा सा इसको देख लें डिटेल, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह इसमें आ सकता है, आप पूछा जा सकता है आपसे क्विज में या आपके एग्जाम में। ओके, द मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेल 80 क्रॉस लिखा जाता है इसको, क्रॉस 86 अप टू द पेंटियम 4 आर सिमिलर, ठीक है, पेंटियम 4 तक जो है मेमोरी स्ट्रक्चर सिमिलर है। विच इंक्लूड्स द फर्स्ट PC बेस्ड अपॉन द 8088 इंट्रोड्यूस बाय द IBM, ठीक है, ये IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया तो उसको लेके ये चलते हैं। सो जो मेमोरी सिस्टम है इसको डिवाइड किया जाता है थ्री मेन पार्ट्स में, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये बुक से ही बनाई गई है, सो बुक से भी आप इसको देख सकते हैं।
ओके, इसमें थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको भी फोकस कीजिएगा। जो फर्स्ट वन मेगा है, इसको कहा जाता है रियल कन्वेंशनल और डॉस मेमोरी। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था उसको डॉस कहा जाता था। डॉस का जो एब्रिवेशन है दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। और जो वन मेगा है, फर्स्ट वन मेगा, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रियल मेमोरी और कन्वेंशनल मेमोरी और डॉस मेमोरी। देर आर थ्री डिफरेंट नेम्स फॉर दिस मेमोरी। कि वन मेगा का क्या मतलब होगा कि जो प्रोसेसर आपके पास 86 और 88 है, इनमें एड्रेस बस का साइज 20 बिट्स होता है। सो 2^20 आप करें सो दिस विल मेक द 1 मेगा। सो इसको दो पार्ट्स में, मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड TPA। TPA स्टैंड फॉर ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया। इसमें क्या पड़ा होता है, आगे इसकी डेफिनेशन आ रही है कि TPA में क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं। साइज इसका फिक्स होता है दैट इज़ 640 KB, ठीक है, 640 KB। ओके, देन वी हैव अ सिस्टम एरिया। सिस्टम एरिया का साइज 384 KB होता है और अपर मोस्ट पार्ट होता है ऑफ 1 मेगा, ठीक है, दो में पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है 1 मेगा को। अच्छा, आप थोड़ा सा और इसको देख लेंगे, जो थर्ड पार्ट है इसको XMS या EMS कहा जाता है। इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम। एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम का मतलब ये होता है जब आपका मेमोरी का साइज 1 मेगा से बढ़ेगा तो जो रिमेनिंग मेमोरी होगी दैट विल कम इन द एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम। इसको EMS या XMS कहा जाता है। ओके, लेट से अब ये मैं वेरिएंट्स की बात कर रहा था आपसे कि 286 है, 386, SX है, SLC है, EX है, तो इनके वेरिएंट्स में ना जाइएगा, इनमें से कोई एक एक फैमिली ले लीजिएगा जब आप कोर आई सीरीज में भी जाएंगे। ओके, ये थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश की गई है कि लेट से 8286 अगर प्रोसेसर है उसमें मेमोरी का साइज होता है 16 मेगा, ठीक है। 16 मेगा का मतलब होता है कि 24 बिट जो है उसका साइज था, दैट्स वाई दिस विल बी इक्वल टू 16 मेगा। पिछले टेबल में भी जाके आप उसको देख सकते हैं। सो उसको 16 मेगा को जब आप डिवाइड करेंगे सो फर्स्ट वन में MB सेम होगी, ठीक है, जिसको रियल कन्वेंशनल मेमोरी कहा जाता है। जो रिमेनिंग है 16 में से अगर 1 माइनस कर दें दिस विल बी 15 मेगा। सो 15 मेगा आ जाएगी एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम में, ठीक है। सो देन इन 386 साइज इज 32 मेगा, 1 मेगा यहाँ आ गया तो रिमेनिंग, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ 31 मेगा, बाइट, ठीक है। इसी तरह ये 64 मेगा है, देन ये 4096 मेगा है तो 4095 आ जाएगा। पेंटियम में साइज बड़ा होता है तो लेट्स वाई ये गीगा में है तो इसमें 1 मेगा निकाल भी दें आप, दैट्स वाई यहाँ 64 गीगा लिखा हुआ है अप टू द कोर 2 तक, ठीक है। तो ये तीन मेजर पार्ट्स हैं। अभी थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं कि सिस्टम एरिया और TPA में क्या चीज़ पड़ी होती है। ये 3 पार्ट्स आ गए, मैंने नेम एंड एब्रिवेशन डिस्कस कर लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव TPA। सो ये TPA की डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है TPA की। ओके, सो TPA की एब्रिवेशन क्या है, ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया। सो व्हाट इट होल्ड्स, इट होल्ड्स द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसकी डायग्राम बनी हुई है बुक में। सो इसकी डिटेल में इतनी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारी आपको IOs उनके एड्रेसेस मिल जाएंगे Chapter 1 में, बट डेफिनेशन की हद तक ये ओवरव्यू सिर्फ देख लें। तो इस पर टाइम ना ज़्यादा लगाइएगा कि आप डायग्राम देखना शुरू कर दें उसको, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। सो इट ऑल्सो स्टोर एनी करंटली, जो मेन इसकी डेफिनेशन है, एक दो फीचर्स वो देख लें। स्टोर्स एनी करंटली एक्टिव और इनएक्टिव डॉस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो उस वक्त जो डॉस के लिए ये यूज़ किया जाता था TPA, तो जो भी प्रोग्राम आप चलाते थे, तो जैसे रैम में आपको पता है कुछ प्रोग्राम चलाते हैं तो कुछ टेम्परेरी फाइल्स स्टोर होती हैं। सो जो टेम्परेरी डाटा है फॉर दैट टाइम फॉर द डॉस एप्लीकेशन, एक्टिव हैं या इनएक्टिव एप्लीकेशन हैं, उनका डाटा भी TPA में बड़ा होता है। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ द मेमोरी दैट इज सिस्टम एरिया। सो इट कंटेन्स द प्रोग्राम्स फॉर वीडियो कंट्रोलर, SD एंड LAN कंट्रोलर एंड BIOS। सो BIOS कौन बताएगा, BIOS का एब्रीवेशन क्या होता है, एनी आइडिया, इसका तो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को। शाबाश, बताएं एनी स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास व्हाट इज मेंट बाय BIOS। तो सामने लिखा हुआ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्या चीज़ पढ़ी होती है, एब्रीवेशन तो देख लिया आपने, क्या चीज़ पढ़ी होती है इसमें, सुना होगा आपने नाम की BIOS में जाके देखें अक्सर जब आप मदर बोर्ड जिसमें कंट्रोलर प्रोसेसर आपका मेमोरी और बाकी सब कुछ चीज़ें लगती हैं उसकी लैंग्वेज को, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए। और इसके अलावा ठीक बताया है, थोड़ा सा इसमें चीज कोई और ऐड करना चाहेगा, एनी अदर थिंग, ड्राइवर्स वगैरह सर,
ठीक है, ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन होती है, कौन कौन से ड्राइवर्स होते हैं नॉर्मली, हम कुछ थोड़ा सा बताएंगे लेट्स से सर, जब भी कोई। इनपुट हाँ आउटपुट सर। ठीक है शाबाश। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं कि लेट्स से आपने कैमरा कनेक्ट, अभी तो वायरलेस हैं तो उसका भी ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल होता है, आपने प्रिंटर अटैच किया है तो कुछ यूनिवर्सल हैं, कुछ लेट्स से आपको इंस्टॉल कर रहे होते हैं ड्राइवर, ठीक है। मोबाइल आपने अटैच किया है लेट्स से तो यूएसबी है, इसके भी अपने ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो सिस्टम एरिया में पड़ी होती है। ओके, बायोस होती कहाँ है इसका थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की गई है कि लेट्स से सिस्टम एरिया में जो टॉप मोस्ट 64 किलोबाइट है वहाँ पे जो है वो बायोस की इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। एब्रीवेशन किसका है, बेसिक आईओ सिस्टम, ठीक है। सो जब सिस्टम स्टार्ट होता है, ये भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, अभी थोड़ा सा ना आपको यहाँ एड्रेसेस नज़र आ रहे होंगे उन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन बताएगा, मुझे बताएं कि 1 मेगा का मतलब 2^20 आप करते हैं, एड्रेस बस का साइज 20 बिट्स है, सो यू विल हैव 1 मेगा। सो हेक्साडेसिमल में ये 5 डिजिट्स क्यों लिखे हैं इसने, बस ये तो पता होना चाहिए आपको कि 20 बिट्स हैं बाइनरी में, हेक्सा में ये 5 जीरोस क्यों लगाए हैं, मैंने साथ कैपिटल एच लिख दिया है, ऐसा क्यों किया है, क्या लिंक है इनका आपस में, इफ़ यू हैव 20 बिट्स इन बाइनरी और वाई वी हैव 5 डिजिट्स इन हेक्सा। शाबाश, एनीवन फ्रॉम द क्लास सर, क्योंकि 20 को शो करने के लिए हमें 5 बिट्स की जरूरत होगी, इस वजह से उसने 5 जीरो लगाए हैं। ठीक है, 5 लगाए हैं, वाई क्या वजह है उसकी, हेक्साडेसिमल और बाइनरी का क्या लिंक है सर? बेसिकली तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास 4 बिट्स होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 15 को, लेकिन जब सर 15 से वो एक्सीड कर जाएगा तो फिर हमें वो, अब लेट्स सपोज 16 को अगर हमने बाइनरी में करना है तो सर उसमें नंबर ऑफ बिट्स 5 हो जाएंगे। ठीक है शाबाश, सही है। तो हेक्साडेसिमल में डिजिट कितने हो जाएंगे 15 से जब बढ़ेगी तो सर? एक इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, 2 हो जाएंगे, ठीक है। सो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से अगर आप बाइनरी में एड्रेस लिखते हैं सो यू हैव टू राइट 20 जीरोस, ठीक है, उसको लिखना काफ़ी मुश्किल है और कॉम्प्लेक्स है। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो एड्रेसेस हैं वो हेक्सा में लिखे जाते हैं, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ बिट्स कम हो जाएं। सो ईच हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैव 4 बिट्स इन द बाइनरी, ठीक है, हेक्सा 16 इसकी बेस होती है, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू द 15। 15 इज द मैक्सिमम नंबर जिसको एफ के साथ लिखा जाता है, ठीक है, एफ का मतलब 4 वंस होते हैं इन बाइनरी, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी जहन में बिठा लें। सो दैट्स वाई जो अगर 20 बिट्स का एड्रेस है यू विल हैव 5 डिजिट्स ऑफ इन हेक्सा, सो दैट्स वाई वी हैव टू राइट 5 जीरोस। सो लास्ट नंबर क्या होता है, हेक्सा की रेंज क्या होती है, 0 से कहाँ तक जाता है, फिफ्टीन को क्या कहा जाता है अल्फाबेट में, एफ कहा जाता है, ठीक है, 10 को ए कहा जाता है, देन बी है, सी डी ई और एफ। सो दैट्स वाई जो लास्ट एड्रेस होगा फॉर द रियल मेमोरी दैट विल बी 5 एफ्स इन हेक्सा, ठीक है, यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको 5 एफ्स लास्ट एड्रेस होगा। ओके, सो इन्होंने ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि जब सिस्टम को रीस्टार्ट किया जाता है तो आप पीसी जब स्टार्ट करते हैं तो कौन बताएगा क्या क्या चीज़ें, इनिशियल चेक क्या करता है सिस्टम, आपने कभी इंफॉर्मेशन देखी होगी तो क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं, समझ बताएं क्या क्या चीज़ें चेक कर रहा होता है इनिशियली बिफोर स्टार्ट एडमिन का सारा, नहीं पासवर्ड तो दे दिया उससे पहले होता है, अक्सर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी आ रही होती है की टू बूट, शाबाश दोबारा बताएं सर, बूट का ऑप्शन और होता है बूट का ऑप्शन, ठीक है, और इसके अलावा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एक ऑप्शन होती है जिसको पोस्ट कहा जाता है, कि और इसके अलावा ड्राइवर्स देखता है कोई रैम आपकी ओके है, रैम में कोई इशू हो तो सिस्टम स्टार्टिंग होता है, ठीक है, वो रीड करता है उसको या बायोस में जाके देखते हैं आप कि इसने डिटेक्ट कर ली है, हार्ड डिस्क आपकी डिटेक्ट है, लेट्स से आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, कोई क्लेम करता है आपको कि इसका प्रोसेसर ये इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, इसकी स्पीड इतनी है, बताते हैं ना आपको 2 GHz है, या सिस्टम आप परचेज करना चाहते हैं इसमें हार्ड इतनी है, तो आप क्या चीज़ चेक करते हैं सबसे पहले सिस्टम को, सिस्टम की बायोस देखते हैं कि वाकई जो क्लेम कर रहा है कोई बात तो वाकई ये इसमें जो सिस्टम है उसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है इस कंपनी का है और उसकी हार्ड डिस्क इतनी है, ठीक है, और रैम उसकी ये है, तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है ये बायोस में पड़ी होती हैं, ठीक है। सो बस आप इसको 0 से इसके साथ ये H लिखा हुआ था अल्फाबेट,
ये आपने ख्याल रखना है, इसके साथ कैपिटल एच लिखना है फॉर लेट्स से क्लेरिफिकेशन ऑफ द एड्रेस के आप जो नंबर लिख रहे हैं दैट इज़ इन हेक्सा। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड वे है कि लास्ट अल्फाबेट यू हैव टू राइट द लास्ट अल्फाबेट टू शो दैट नंबर इज इन हेक्सा। ओके सर, आपने ये लिखना है। ठीक है, the third major part of the microprocessor based system that is IO space. So IO space ka size 64K hota hai, theek hai? 64K ka kya matlab hoga? What will be the size of the address? Kaun batayega? Shabash, batayein. Aapko thoda sa main involve kar raha hu in cheezon mein taki aapka jo zehen hai jo cheeze hai pareshani wo nikal jaye aur kuch aapko isko answer kare. So if you have a size that is 64K, shabash batayein. 16 होगा सर। 16 होगा। अच्छा, आप मुझे बताएं इफ यू हैव 16 बिट्स सो हेक्सा में कितने डिजिट्स के साथ लिखा जाएगा इसको? सर दो में। नो, फोर बिट्स होती हैं एक हेक्साडेसिमल में। सो जो भी इसका आसान तरीका ये होता है कि जो भी आपका नंबर आ रहा है सो डिवाइड इट बाय 4। सो 16 डिवाइड बाय 4 सो द नंबर विल बी 4। सो 4 जीरोस द विल बी द स्टार्टिंग एड्रेस, that number is in hexa and the last address will be 4f's in hexa. Okay, so io jo space hai it has different port addresses that will start from 4 zeros in hexa up to the 4f's in binary. theek hai, ab thodi si iski jo diagram hai wo isse book mein bani hui hai again. so isme se kuch main board ke liye hote hain addresses, kuch plugin cards ke liye hote hain, let's say printer hai ya ग्राफिक्स के लिए बोर्ड लगाते हैं आप, ए जी पी है या आप, तो ये ख़त्म हो चुकी है, इसके अलावा चीज़ें आ चुकी हैं। सो इसको आई ओ स्पेस कहा जाता है, इसका साइज 64K है, एड्रेसेस ये लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं दैट द स्टार्टिंग एड्रेस विल बी 4 जीरोज़ इन हेक्सा अप टू द 4F's इन हेक्सा। सो जो आई ओ का एड्रेस होता है दैट विल बी ऑफ 16 बिट्स। ठीक है, इनको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये इसकी डिटेल है। टू मेजर सेक्शन हैं बिलो 0400 इन हेक्सा, ये देखना है, ख्याल करना है आपने, ये 400 डेसिमल या वो नहीं है, जब एच लिख दिया गया है इसका मतलब ये नंबर हेक्सा में है। इज कंसिडर्ड फॉर द सिस्टम डिवाइसेस और मेनिंग एरिया अबव 0400 इज अवेलेबल फॉर आईओ स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑन द न्यूअर सिस्टम्स। कोई और नई डिवाइस या नया प्रोटोकॉल आता है तो उसके लिए रिजर्व किया जाता है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स मेन बोर्ड और एड्रेसेस के हैं ये बता रहा है 0100 से 03FF तक होते हैं। अब बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है, आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है? सो यू कैन ट्रांसफर द डाटा बाय यूजिंग लेट्स से रीड और राइट ऑपरेशंस, देन यू आल्सो परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ये कौन स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक एंड लॉजिक? एनी एग्जाम्पल के सर ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ये लॉजिकल है? सर अरिथमेटिक में हम ये करते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और लॉजिकल ऑपरेशन में ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ये वाले। ठीक है, और शिफ्ट ऑपरेशन किस में आता है सर? वो लॉजिकल में होगा। लॉजिकल, ठीक है। शिफ्ट्स भी हम देखेंगे जब हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, लॉजिकल शिफ्ट भी होता है अरिथमेटिक शिफ्ट भी होता है, वो देखेंगे कि लेट्स से पॉजिटिव नंबर्स के लिए कौन सा होता है और अनसाइंड नंबर्स के लिए कौन सा होता है। देन प्रोग्राम फ्लो है, डेटा को डिफरेंट बसेस या बैंक्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी तक जो हमने ऑप्शंस देखी हैं कि 8 बिट हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर, देन 16 हमने देखा, 86, 88, 32 बिट जो होता है उसको 386 कहा जाता है, देन 64 बिट पेंटियम एंड ऑनवर्ड होता है। ठीक है, सो मेमोरीज ऑलवेज 8 बिट वाइड होती है। 8 बिट का क्या मतलब होता है, कितनी बाइट्स होंगी सर? 1 बाइट होगी। ठीक है, शाबाश। बाइट को कैपिटल बी से लिखा जाता है, ठीक है, और बिट को स्मॉल बी से लिखा जाता है। ओके, ये कंक्लूजन है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। सो नेक्स्ट ये फर्स्ट 3 आर्टिकल्स और इंट्रोडक्शन करना है आपसे, मैंने दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ अगर आप इसको कंक्लूड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री देखी हमने बैक फ्रॉम द 1980s अप टू द 2000। ठीक है, सो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस या उनको देखा है कि डाटा बस का साइज़ क्या है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एड्रेस बस, कुछ एडिशनल फीचर्स देखी हैं, देन कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया आपसे, और जो फर्स्ट असाइनमेंट मैंने आपसे कहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 अप टू द 2020 इसमें आपने टेबल वाइज फीचर्स देने हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हमने देखा है, उसमें
ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, इट हैज थ्री मेजर ब्लॉक्स, उसमें से मेमोरी स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रांजिएंट प्रोग्राम एरिया, सिस्टम एरिया है या एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम है, थोड़ी सी डेफिनेशन उसकी देखी है। देन आईओ स्पेस है कि इसका साइज 64K होता है, जो आईओ का एड्रेस होता है वो 16 बिट्स का है, उसको हेक्सा में कैसे लिखा जाता है, ये इसका कंक्लूजन है जो आपके चैप्टर नंबर वन है, और तीन आर्टिकल ये बनते हैं। तो नो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर टू। सो इसमें भी जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल वाइज आप देख लें, और जो चीज़ें ज़रूरी हैं बाय द असाइनमेंट और क्विजेज आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो आर्टिकल वाइज रखिएगा ध्यान में, ना रखने चीज़ें कि हमने इतने ज़्यादा चैप्टर पढ़ने हैं तो ये कैसे होंगे क्या है, सिलेक्टेड चीज़ें हैं फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर टू, जिसमें इसका प्रोग्रामिंग मॉडल या इंटरनल आर्किटेक्चर इसको कहा जाता है, ये आपकी की है अप टू लेट से चैप्टर 8 या 9 या इंटरफेसिंग तक। अगर ये डायग्राम और चीज़ें आपके जहन में बैठ गई हैं कि ये रजिस्टर का साइज़ क्या है, इस रजिस्टर का काम क्या है, कि ये एड्रेस कैसे बनता है, देन आप मतलब फ्लो में आ जाएंगे और स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे चीज़ों के साथ, ठीक है। अगर यहाँ आपको प्रॉब्लम है किसी चीज़ में तो आप प्रोग्रामिंग मॉडल में पूछें बार बार, उसको जहन में रखने की कोशिश करें ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर ये चीज़ें आप स्किप कर देते हैं फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, चैप्टर 6 तक ऑनवर्ड आगे बहुत मुश्किल में रहेंगे आप, क्योंकि सारी चीज़ें इसके साथ लिंक्ड हैं प्रोग्रामिंग मॉडल के साथ। ओके, प्रोग्रामिंग मॉडल या इंटरनल आर्किटेक्चर कहा जाता है इसको, या प्रोग्राम विजिबल रजिस्टर भी कहा जाता है, प्रोग्रामेबल विजिबल रजिस्टर, ठीक है। इसमें एक डायग्राम बनी हुई है चैप्टर 2 के स्टार्ट में। सो इनके कुछ नेम है रजिस्टर्स के, उनका फंक्शन है, कुछ प्रीफिक्स हैं, ये आपके जहन में बैठ जाने चाहिए, ठीक है, ये क्लियर होने चाहिए आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है ये 16 बिट रजिस्टर्स कहलाते हैं। 16 बिट का मतलब होगा 0 to 15, ठीक है, एक बात ये ध्यान में रख लें। यहाँ आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए दिखाया गया है 16 बिट नेम्स, ठीक है, और इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले चार रजिस्टर्स को, नाम को हम देखते हैं कि AX, BX और इनका मतलब क्या है, ठीक है। ईच रजिस्टर हैज़ डिफरेंट नेम और हैज़ इट्स ऑन पर्पज, कुछ जनरल पर्पज़ होते हैं इनमें से, कुछ स्पेशल पर्पज़ होते हैं, ठीक है। इनकी कैटेगरीज आगे देखेंगे कौन से जनरल पर्पज़ होते हैं, कौन से स्पेशल पर्पज़ होते हैं। ओके, इन चार को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये कोई बताना चाहेगा AL और AH का क्या मतलब होगा, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। हिंट आपको ये दे देता हूँ कि 16 बिट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। 16 बिट्स का मतलब होता है 2 बाइट्स। हाफ आंसर दे दिया मैंने, सही। हाई लो का तो कुछ नहीं जी, व्हाट इज मेंट बाय AL और AH, एनी आइडिया सर? ये हाई और लो का तो इसमें चक्कर तो कोई नहीं, हाई लो तो लिखा हुआ है, हाई लो AL लोअर है और हाई है। आधा जवाब मैंने दिया है कि 16 का मतलब 2 बाइट्स है। एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग तो रही है मतलब हाफ में कर दिया। ओके चलें, फाइन, कोई बात नहीं। ओके, सो लेट्स से ये जो आपके पास कॉलम है इसका मतलब 16 बिट्स है। अगर 8 बिट्स में 1 बाइट है तो 16 बिट्स में कितनी बाइट्स होंगी, यहाँ से चलते हैं। इफ यू हैव 16 बिट्स हाउ मेनी बाइट्स आर देयर? 2 बाइट्स होंगी, ठीक है। सो 2 बाइट्स जो AX रजिस्टर है, लेट्स से इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, 2 पार्ट्स में। AL इज कॉल्ड द लोअर बाइट ऑफ द AX एंड AH इज कॉल्ड द हायर बाइट ऑफ AX। लोअर बाइट का क्या मतलब होगा, कौन सी बिट्स होंगी इसकी, 0 से अगर 15 है तो? शाबाश, ये तो बताना चाहिए आपको। 7 तक, 0 से 7 तक, ठीक हो गया, शाबाश। व्हाट इज मेंट बाय AH? 7 से 15? नो, 7 टू 15, 8 से 15, 8 से 15 होगी, ठीक है, ये ख्याल करना है आपने। सो व्हेन यू हैव 16 बिट्स यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू द 15, ओके। सो लोअर होगा आपके पास 0 से 7 और हायर होगा 8 टू 15, ठीक है, ये याद रहेगा। AL का मतलब लोअर है और AH का मतलब हायर है। सो सिमिलरली BX आल्सो हैज डिवीजन BL एंड BH, CX की भी डिवीजन है CL, CH। इन चार को आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप लोअर या हायर बाइट या एज ए कम्प्लीट रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैं साथ साथ इसको प्रोसेसर के साथ भी लिंक कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 86 और 88 आपने याद रखना है, इट इज 16 बिट, दे आर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स। व्हाट इज मेंट बाय 16 बिट, कि जो इसके इंटरनल रजिस्टर्स हैं उनमें 16 बिट रजिस्टर्स होंगे, ठीक है, और जो डाटा बस होती है 86 की एक्सटर्नल वो 16 बिट की होती है, और 88 की जो एक्सटर्नल डाटा बस है वो 8 बिट की होती है। एक्सटर्नल डाटा बस का ताल्लुक उस वक्त आएगा जब हम इंटरफेसिंग पे जाएंगे।
अभी यहाँ पे ये जहन में रख लें, अपने फोकस कर लें कि ये जो 86 और 88 है प्रोसेसर, दे आर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड दे हैव 16 बिट इंटरनल रजिस्टर्स। सो ये जो रजिस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स, ये तमाम रजिस्टर्स 86 और 88 में होंगे, ठीक है। देन वी हैव बी पी, इट इज़ कॉल्ड बेस पॉइंटर। देन एस आई सोर्स इंडेक्स है, डी आई डेस्टिनेशन इंडेक्स है, एस पी स्टैक पॉइंटर कहलाता है, ठीक है। ये तमाम रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर्स हैं। अच्छा, अब साथ दूसरा प्रोसेसर भी बता देता हूँ कि 32 बिट अगर बनाना है आपने इन रजिस्टर्स को, तो क्या प्रीफिक्स लगाया जाएगा? ई का प्रीफिक्स लगाया जाएगा टू एक्सटेंड दीज रजिस्टर्स, ठीक है। दोबारा ये बात सुन लें, व्हेन यू हैव 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर है वो? 8386 है, मैं इसको 386 कहूँगा ताकि आप बाद में ये चीज़ जहन में रखनी है आपने, ठीक है। 80386 है, 386 आपको कहा जाता है, उसका मतलब 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। सो उसमें जो इंटरनल रजिस्टर्स होंगे वो 32 बिट होंगे, और उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है दैट इज़ कैपिटल ई। सो ए एक्स के साथ अगर आप ई ए एक्स लगा देते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट अगर करते हैं, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू द 31। सो दीज रजिस्टर्स विल बिकम ऑफ 32 बिट्स, ई ए एक्स है, देन ई बी एक्स है, ई सी एक्स एंड सो ऑन। अभी सिर्फ समझाने के लिए बताए कि इनका नाम क्या है, आगे इनकी वन बाई वन थोड़ा थोड़ा इसको डिटेल आगे देखते हैं, आगे आती हैं, ठीक है। वहाँ इसकी वन लाइन फंक्शन आ जाएगा, वहाँ इसको डिटेल में देख लेंगे, अभी सिर्फ एब्रीवेशन बताया है मैंने आपको, आगे आ रहे हैं ये वन बाई वन। सो द लास्ट कॉलम जो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, सो दे आर यूज फॉर पेंटियम एंड ऑनवर्ड। पेंटियम जो है फर्स्ट 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, और ऑनवर्ड 64 बिट और 128 बिट, डिपेंडिंग के अभी आपके पास कितने बिट रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। सो ये उसका आर्किटेक्चर बना हुआ था, उसके लिए जो प्रीफिक्स है दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। सो अगर आर ए एक्स है, इसका मतलब ये क्या होगा कि 64 बिट रजिस्टर है ये, देन आर बी एक्स है, आर सी एक्स। सो दिस प्रीफिक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द 64 बिट रजिस्टर, और कैपिटल ई रिप्रेजेंट्स 32 बिट रजिस्टर, और सिंपल अगर ए एक्स है, बी एक्स है, इट इज 16 बिट रजिस्टर। तो इसको थोड़ा सा देख लें, ये प्रोग्रामिंग इसका आर्किटेक्चर है। देन आर एट से लेके आर 15, ये सिर्फ पेंटियम एंड ऑनवर्ड अवेलेबल हैं, दे आर आल्सो 64 बिट रजिस्टर्स, ठीक है। आर ए टू आर 15 लिख लें और साथ लिख लें कि दे आर आल्सो 64 बिट रजिस्टर्स। आगे चलें, तो अब ये आगे सेम कॉलम आ रहा है, आप डायग्राम देख सकते हैं बुक से। सो फ्लैग रजिस्टर एक होता है, इट इज़ आल्सो 16 बिट। अब ये कौन बताएगा ई फ्लैग का साइज क्या होगा? 32 बिट। और आर फ्लैग 64। ठीक हो गया, शाबाश, 64 बिट होगा। सिमिलरली आईपी का आ जाता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को, साइज ऑफ द आईपी विल बी 16, ईआईपी विल बी 32 एंड आरआईपी विल बी 64 बिट। ओके, थर्ड इसमें कैटेगरी है सीएस लिखा हुआ, डीएस है, ये जो 6 रजिस्टर है इनको कहा जाता है सेगमेंट रजिस्टर्स, ठीक है। दे आर 4 to 6, इनमें से जो पहले 4 हैं दे आर मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड, एफ एस और जी एस हैं ये सप्लीमेंट्री हैं, यूज़र जो है इनको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। इन तमाम का साइज़ अगर आप इसको कॉलम के साथ कंपेयर करें, यहाँ इसके नीचे आना चाहिए ताकि समझाने के लिए कि ये तमाम सेगमेंट रजिस्टर्स का साइज 16 बिट होता है। तो सेगमेंट रजिस्टर्स आर ऑफ 16 बिट, तो सी एस का मतलब सेगमेंट है, वी विल आल्सो डिस्कस इन डिटेल। डी एस का मतलब डेटा सेगमेंट है, ई एस स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड एस एस स्टैंड फॉर स्टैक सेगमेंट। तो तीन हिस्से इसके हैं, कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, कुछ स्पेशल पर्पज हैं, और थर्ड वन इज सेगमेंट रजिस्टर्स। ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रामेबल विजिबल रजिस्टर और प्रोग्राम विजिबल रजिस्टर, के यूजर विजिबल रजिस्टर, के यूजर इनको यूज कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपने, अब सवाल पूछ लें कि अगर हम आपसे कहते हैं कि प्रोग्रामिंग मॉडल ड्रॉ करें 8086 का, तो इसमें से कितना हिस्सा ड्रॉ किया जाएगा? शाबाश, बताएं, अगर आपसे कहा जाता है कि 8086 एक प्रोसेसर है, उसका प्रोग्रामिंग मॉडल ड्रॉ करें,
सो इस पूरे ब्लॉक में से कितना हिस्सा आप ड्रॉ करेंगे? सर ई वाला नो 8086 कितने बिट माइक्रो प्रोसेसर है याद रख लें, कितने बिट माइक्रो प्रोसेसर है? सर एएक्स वाला, एएक्स वाला यूज करेंगे सर। ठीक है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि वो 16 बिट है। यस सर, तो ये चीजें ध्यान में बिठा लें ताकि इसके इसका ई वाला ई जो है वो 32 बिट रजिस्टर्स हैं, तो वो जो प्रोसेसर 32 बिट होगा उसमें वो ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है सर, वो 386 है। हाँ 386 होगा। ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है लेट से क्विज में या एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन पहले क्लियर होना चाहिए कि इसमें हमने बनाना क्या है, मतलब क्या चीज़ पूछी जा रही है हमसे। ठीक है, ये ओवरऑल एक डायग्राम है या प्रोग्रामिंग मॉडल है, तो जो आपसे पूछा जाता है आप उस उतना हिस्सा ड्रा करेंगे। अगर कहा जाता है जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग मॉडल बनाएं, तो उसमें ये सारा बनाया जाएगा आर ए एक्स और एंड सो ऑन नीचे तक। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि क्या चीज़ आपसे पूछी जा रही है। डिटेल आप देख लीजिएगा। इसके अलावा प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स होते हैं, ये यूज़र को अवेलेबल नहीं होते बल्कि सिस्टम उसको यूज़ करता है। अब ये थोड़ी सी एग्जांपल देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान से समझनी है आपने ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चैप्टर्स में। ओके, 8 बिट्स के लिए मैंने आपको कहा कि जो अल्फ़ाबेट आप यूज़ करते हैं दैट इज़ कैपिटल बी। क्या मतलब होता है बिट्स का? 0 to 7। ओके 16 बिट्स के लिए ये इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के लिए टर्मिनोलॉजी है, याद रखना है आपने। ये नहीं है कि ये दूसरे प्रोसेसर या हर जगह चल जाएंगे, इट इज ओनली वैलिड फॉर द इंटेल माइक्रो प्रोसेसर। वो क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं? ओके, देन वी हैव 16 बिट्स, इसको वर्ड कहा जाता है, इसको कैपिटल डब्ल्यू के साथ लिखा जाता है। एक वर्ड में 2 bytes होती हैं। ठीक है, उसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 to 15। आगे चलें, देन वी हैव 32 bits, इसको डबल वर्ड कहा जाता है और डी यूज किया जाता है इसके लिए। डी इज यूज फॉर द डबल वर्ड। सो बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 up to 31। देन वी हैव 64-bit एक्सटेंशन, उसके लिए क्वाड वर्ड कहा जाता है। डबल वर्ड का क्या मतलब होगा? 2 words, एक वर्ड में अगर 2 bytes हैं तो डबल वर्ड में कितनी bytes होंगी? 4 होंगी। तो 4 bytes का क्या मतलब होगा? 32 bits मल्टीप्लाई बाई 4, 8। ओके, देन इन केस ऑफ 64 bits वी यूज्ड क्यू। ये डब्ल्यू यहाँ से हटा दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे क्यू आएगा। क्यू का मतलब क्वाड वर्ड है। क्वाड का क्या मतलब होता है? 4 words होंगे। फोर वर्ड्स होंगे। एक वर्ड में 2 bytes हैं तो क्वाड में कितने होंगे bytes? 8 bytes और 64 bits कितने होंगे? 64। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 up to 63। इस लास्ट एग्जांपल वाले कॉलम को छोड़ के किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन, किसी के जहन में कोई चीज है सर ये बी है या कौन से बिट्स हैं? क्योंकि ये वो बेसिक चीजें हैं जो बार बार यूज होनी है, तो ये क्लियर होने चाहिए आपको ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है, बिकॉज उसको रीड करना ही सबसे बड़ा वो है कि पहले आप उसको रीड करना सीखेंगे, उसको रीड कैसे करना है, देन आप ऑपरेशन के ऊपर जाएंगे। ओके, याद रहेंगी बी इज यूज फॉर द बाइट, वर्ड इज यूज फॉर द डब्ल्यू इज यूज फॉर द वर्ड, डी हम डबल वर्ड के लिए यूज करते हैं और क्यू यूज करते हैं क्वाड वर्ड के लिए। ओके, अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लें। मूव इंस्ट्रक्शन यूज होती है 2 different ऑपरेंड्स के दरमियान डाटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लें, ये आगे यूज होगी। मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें राइट साइड पर सोर्स लिखा जाता है और जो इसका फॉर्मेट है लेफ्ट साइड पर डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, और असेंबली में शॉर्ट फॉर्म में इसको MOV के साथ लिखा जाता है। ठीक है, मूव में। ओके, इसको कोई आसान एग्जांपल देख लें, पहले ये वाली एग्जांपल देख लें। ओके, फर्स्ट वन पे मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताएं जो R8 से R15 है उनका साइज क्या होता है, कितने बिट रजिस्टर होते हैं ये R8 to R15? आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तब आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी, इसलिए मैं आपको बार बार प्रॉब कर रहा हूँ ताकि आप साथ चलते रहें। व्हाट इज द साइज फॉर सर? आर का साइज तो 64 होता है ना? 64 होता है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आर इसका मतलब क्या है कि जो राइट साइड पे आपके पास सोर्स है R12, उसमें 64 बिट डाटा पड़ा हुआ है, दैट विल बी ट्रांसफर टू द R13। सो R12 विल बी द सोर्स एंड ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड R13 विल बी द डेस्टिनेशन। कितना डाटा ट्रांसफर होगा? That will be decided by this register. 64 bits. 64. Okay. अब
ये वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आए, डी किस लिए यूज किया जाता है? डबल डबल वर्ड साइज क्या होता है, कितना बिट डाटा होता है इसमें लिखा हुआ अभी तो सामने आपके, तो अभी देख के बता देने के बाद में ध्यान में रखना है आपने, 32 बिट ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप आर 15 को यूज करना चाहते हैं और उसकी पहली 32 बिट्स यूज करना चाहते हैं तो आर 15 के साथ डी लिख दिया आपने ठीक है। सिमिलरली यू वांट टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम आर 15 टू आर 14, एक्सप्लेन कर दें दोबारा। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं, दोबारा बता दें, मैं इसके ऊपर आ रहा हूं दोबारा। ओके सो इफ यू वांट टू राइट लेट्स से आर 12 एंड आर 15 और सम एनी अदर रजिस्टर, सो इन दिस केस 64 डाटा 64 बिट डाटा विल बी ट्रांसफर्ड। बट इफ यू वांट टू यूज सम स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दीज रजिस्टर्स, तो आर 15 और आर 14 हमें पता है कि 64 बिट रजिस्टर है, अगर आप 32 बिट इसकी यूज करना चाहते हैं पहली, सो यू विल राइट द अल्फाबेट डी विद दीज रजिस्टर्स टू स्पेसिफाई दैट आई एम यूजिंग द फर्स्ट 32 बिट्स बिकॉज डी इज यूज फॉर द डबल वर्ड ठीक है। तो दोनों रजिस्टर्स जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं उनका साइज सेम होना चाहिए, ये नहीं है कि आप यहाँ डी लिखा है 32 बिट है तो यहाँ आर 14 लिखते हैं ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ओके नेक्स्ट आए सोर्स, अब ये कोई आप में से बताएगा कि इसको कैसे रीड करेंगे, सेकंड एग्जांपल दिस वन, एनी स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास, शाबाश, थोड़ा सा बताएं इसमें वो क्या है, इसमें सबसे पहले सोर्स बताएं क्या है। सोर्स सर हमारे पास इसमें सोर्स 16 बिट है, 16 कौन सा रजिस्टर है, एएक्स रजिस्टर है, एएक्स सर ठीक है। अब कोई और बताएगा ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट, आर 10 और डब्ल्यू का क्या मतलब है, एनी अदर स्टूडेंट। सर हम लोग 64 में से हम लोग यूज करना चाह रहे हैं 16 बिट का, तो इसलिए हमने ना W को वर्ड यूज कर दिया क्योंकि वो 16 के लिए यूज होता है और R 64 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है फाइन, अच्छा बेहतरीन जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं एनी अदर स्टूडेंट, ये बताएं कि R 10 का साइज क्या है, एनी अदर स्टूडेंट कोई और बताएगा, शाबाश, व्हाट इज द साइज ऑफ R 10 रजिस्टर? 64 64 ठीक है, याद रखनी है बातें ठीक है, भूलनी नहीं है। अच्छा अब कोई और स्टूडेंट बताएगा, आप जिन्होंने पहले जवाब दे दिया वो ना बताएं। सो अगर मैं कैपिटल बी यूज करता हूँ आर 10 के साथ, ये फर्स्ट एग्जांपल कौन बताएगा, शाबाश, बी कब कब यूज किया जाता है, शाबाश, एनी अदर स्टूडेंट जो बता रहे हैं तो उनको मौका मिल गया, फर्स्ट यूज करनी है सर, फर्स्ट, शाबाश, कौन कितनी बिट्स यूज करनी है, फर्स्ट एट यूज करनी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, बी सर, बी यूज करेंगे, शाबाश। तो उस आर 9 B will be the destination और R10 B will be the source. So कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, चले नीचे। ओके अब ये देखें सर, ये ऊपर वाले टेबल में कन्फ्यूजन है ना सर, जी बताएं बताएं सर, इसमें अगर हम ये जो हमने नीचे से सर सेकेंड एग्जाम्पल किया है इसकी R15D और R14D की, सर इसमें हमें ये किस तरह पता चलेगा कि इसमें हमने फर्स्ट 32 बिट्स को यूज करना है या लास्ट वाले 32 को यूज करना है 64 में से? ठीक है फाइन, गुड क्वेश्चन। इसमें ये है कि हमेशा जब आप डाटा या कोई भी रजिस्टर को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनको आप एक्सेस करके यूज करेंगे ठीक है। अगर आप हायर यूज करना चाहते हैं तो इन चार में ऑप्शन है कि आप हायर लिख सकते हैं, बजाय इसके लोअर नहीं यूज करना चाहते तो हायर को एडिट यूज कर लें। तो ये ऑप्शन सिर्फ पहली चार रजिस्टर में है कि AH लिख दें या BH लिख देंगे या CH या DH लिख देंगे, अदरवाइज जब आप 64 बिट अभी जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं वो तमाम 64 बिट रजिस्टर्स के साथ देखी हैं, तो उनमें जब बी लिखा जाएगा तो अंडरस्टूड होगा कि पहली लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को यूज़ कर रहे हैं हम ठीक है। जब डब्ल्यू लिखा जा रहा है इसका मतलब है कि पहले दो बाइट्स को यूज़ कर रहे हैं कि डब्ल्यू लिखा हुआ है, डी लिखा है तो पहले 32 बिट यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है रजिस्टर में कि लास्ट वाला यूज़ कर लें, दिस ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल इन फर्स्ट फोर रजिस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम AX टू DX। क्लियर है पॉइंट ये? जब भी इसका एक और आंसर ये है कि जब भी लेट से आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को फिल किया जाता है ठीक है, देन यू विल मूव टुवर्ड्स द हायर सिग्निफिकेंट बिट्स। सम अदर एग्जांपल्स देखते हैं, सो लेट से जस्ट लाइक द मूव वी आल्सो हैव सम अनदर इंस्ट्रक्शन, इट इज आल्सो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन एडिशन, उसके लिए जो कीवर्ड है असेंबली में शॉर्ट फॉर्म है दैट इज ADD ऐड। तो ये कौन बताएगा कि इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म कर रही है, एडिशन क्या होगी, इसमें डेस्टिनेशन क्या है और सोर्स क्या है? सोर्स AH होगा जो कि हायर के लिए होगा 8 से 15 तक, और जो डेस्टिनेशन है वो AL है जो कि लॉ के लिए 0 से 7 बिट के लिए। तो ऐड एडिशन कैसे होगी, ओके ये पढ़ी नहीं है इंस्ट्रक्शन, चलें एनी आइडिया,
चलें फाइन ओके, माइक ऑफ कीजिएगा ओके फाइन. सो इन केस ऑफ एडिशन जो लेफ्ट मोस्ट आपके पास रजिस्टर लिखा हुआ है दैट विल बी द डेस्टिनेशन. सो ए एल. सो एडिशन में आपको दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं लेट्स से. सो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड द कंटेंट्स ऑफ ए एल प्लस ए एच. ओके, दोनों के कंटेंट्स को ऐड किया जाएगा और द रिजल्ट विल अगेन स्टोर टू द ए एल. कितने बिट एडिशन होगी? सर 8. 8 बिट होगी. क्यों होगी 8 बिट सर? व्हाई सर? ए शो करवा रहे हैं ना हमें, ए 8 बिट होता है. ठीक है अच्छा, अब एक ठीक हो गया फाइन. पहले 8 बिट यूज कर रहे हैं या जो रजिस्टर यूज कर रहे हैं उनका साइज 8 बिट है. अच्छा इसमें एक चीज का ख्याल रखना है आपने, यहाँ ए एक्स नहीं लिख सकता मैं, दोनों ऑपरेंड्स का साइज सेम होना चाहिए. ठीक है लेट्स सी, यहाँ देख रहे हैं डी एक्स और सी एक्स है, ये कितने बिट एडिशन होगी? 32 बिट. 16 बिट सर. 16 बिट होगी बिकॉज डी एक्स एंड सी एक्स आर 16 बिट रजिस्टर. ओके सो ECX और EBX के केस में क्या होगा? 32 bit होगा. एंड इन द लास्ट केस RBX और RCX 64 bits. 64 bit. ओके वेट फॉर अ व्हाइल, एक डाटा मैंने फिल करना है. सो वेट फॉर 1-2 मिनट्स. Okay, so in the last example, so RCX and RBX are both of the 64-bit register, so it will be 64-bit addition. Okay? So in this case, आपने जो इसका फॉर्मेट है उसको याद रखना है. ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड वी विल आल्सो डिस्कस दीज एग्जांपल्स इन चैप्टर नंबर 5 व्हेन वी गो टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अभी थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए है कि ये कैसे वर्क करती हैं, दोनों ऑपरेंड्स का साइज सेम होना चाहिए. ठीक है ऐसा नहीं है यहाँ RBX लिखा है तो यहाँ AX लिख दें आप. ठीक है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने. सो ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड दैट विल बी द डेस्टिनेशन, और जो दो ऑपरेंड्स दिए गए हैं उनके कॉन्टेंट्स ऐड होंगे और जो लेफ्ट मोस्ट पे आपको रजिस्टर दिया गया है उसमें रिजल्ट को स्टोर किया जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मल्टीपर्पज रजिस्टर्स. अब थ्री मेजर टाइप्स पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसकी डेफिनेशंस आप लोग देख लीजिएगा, बट मैं नाम और छोटा छोटा जो इसका इंट्रोडक्शन और इसका यूज है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ. सो देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग मॉडल और इंटरनल आर्किटेक्चर. सम रजिस्टर्स आर मल्टीपर्पज रजिस्टर्स. ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मल्टीपर्पज. Then the second category is special purpose registers. Uska role aur example hum dekhenge. So third type of registers are segment registers. Theek hai ye teen major categories hoti hain. Okay 13 tak aapne discussion ki hui hai DLD mein ke 2^41 tera hota hai. Abhi tak ye plan hai Intel ka ke petabyte banayi jaye. So that will be 2^50 agar wo aati hai to. Theek hai ओके द फर्स्ट रजिस्टर इज आर ए एक्स. अभी आर के साथ लिखा होगा तो इसे कंफ्यूज ना होइएगा कि अगर ए एक्स है या ई ए एक्स है या आर ए एक्स है, सब का मतलब सेम है कि ये एक्युमुलेटर रजिस्टर की बात हो रही है. तो ये जनरल पर्पज लिखा गया है तो इससे घबराइएगा ना कि ए एक्स का कोई और फंक्शन है या ई एक्स का कुछ और हो जाएगा. ठीक है सो द एब्रीवेशन ऑफ द ए एक्स रजिस्टर इज एक्युमुलेटर. सो अब उसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है और उसके यूज़ है मेजर के किन किन कामों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इसको कहा जाता है मल्टीपर्पज. सो पहला जो टास्क है इट इज़ यूज फॉर द इंस्ट्रक्शंस सच एज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यूज़ कर सकते हैं और कुछ एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शंस में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ये आपने रोल भी और चीज़ें याद रखनी है एक दो बिकॉज हम आगे मूव करेंगे तो फिर ये चीज़ें वहाँ पे इसकी डिस्कशन आ जाएगी. सो ए एक्स कैन बी यूज एज डेस्टिनेशन
एज वन ऑफ द ऑपरेंड डेस्टिनेशन, ये किसी भी इंस्ट्रक्शन में हम इसको एज अ डेस्टिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी है, लेट्स से यहाँ डी एक्स है, यू कैन आल्सो यूज ए एक्स एज अ डेस्टिनेशन, इट विल डिपेंड अपॉन द अगेन इंस्ट्रक्शन। थर्ड पॉइंट यह है कि लेट्स से इन 83, 86 एंड अबव द ई ए एक्स, अब ये साथ साथ बता भी रहा है आपको ताकि चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएँ। ई ए एक्स का मतलब 32 बिट रजिस्टर की बात हो रही है। इट होल्ड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द लोकेशन इन द मेमोरी सिस्टम। ऑफसेट एड्रेस की डिस्कशन आ जाएगी आज के मेमोरी सिस्टम में, ऑफसेट एड्रेस का क्या मतलब होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज आर बी एक्स, इट इज कॉल्ड द बेस रजिस्टर और बेस इंडेक्स। तो इसका फंक्शन क्या है, इट होल्ड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ लोकेशन इन अ मेमोरी सिस्टम। तो एक डिफरेंट मेमोरी है, आपको पता है मेमोरी का एक एड्रेस होता है। अब देर इज एडिशनल थिंग दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट एड्रेस। सो बी एक्स रजिस्टर जो है वो ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। कितनी लेट से डिस्प्लेसमेंट होगी, हम इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे जब रियल मोड की आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थर्ड वन इज काउंट रजिस्टर, इसको आर सी एक्स कहा जाता है। फर्स्ट इसका काम ये है कि इट होल्ड द काउंट, कि कहीं भी अगर काउंट की ऑप्शन है तो काउंट की वैल्यू को स्टोर करता है। सेकेंड वन, इट कैन ऑल्सो स्टोर द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द मेमरी। ओके, फोर्थ वन इज डेटा रजिस्टर, तो वन ऑफ द लेट से पर्पज इट होल्ड अ पार्ट ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट स्टोर कर सकता है, और डिवाइडेंड बिफोर अ डिवीजन डिवाइडेंड को हम स्टोर कर सकते हैं, और मल्टीपल पर्पज डाटा के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। सो ये तमाम जो हैं वो मल्टीपर्पज रजिस्टर्स हैं। देन आर बी पी है, बी पी इज कॉल्ड द बेस पॉइंटर, सो इट पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन इन ऑल वर्जन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। कहता है किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए बेस पॉइंटर यूज़ किया जाता है। Then the next one is DI, DI abbreviation of destination index. So ये जो DI destination index है और SI source index है, ये दो special registers हैं। They are also used in the string instructions, कि अगर आपके पास string instructions हैं, string कौन बताएगा, what is meant by string, किस तरह का data होता है string में, अपने data structure में या मेरे ख्याल में fundamental में भी पढ़ा होगा शायद। स्ट्रिंग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं सर? अल्फाबेट्स आ सकते हैं, नंबर का भी, डबल क्वेश्चन मार्क, जो कुछ भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। और इसमें एनी अदर स्ट्रिंग और क्या आ सकता है? नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, और सर स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं। यस सर, यस सर। सो जब आपके पास जो डाटा है या स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है, तो ये दो रजिस्टर्स आपने याद रखने हैं कि जो स्ट्रिंग का डाटा आपने किसी भी लेट से लोकेशन पे स्टोर करवाना है, तो जो डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन है दैट विल कम फ्रॉम द डीआई, ठीक है। इट ऑफन एड्रेसेस द स्ट्रिंग डेस्टिनेशन डाटा। सो जो डेस्टिनेशन कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन आपके पास लेट से उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, सो जिस लोकेशन पर आपने स्टोर करना है लेट से जो डाटा है आपका स्ट्रिंग, तो उसके डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है दैट विल कम फ्रॉम द डेस्टिनेशन इंडेक्स, जिसको डीआई कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज सोर्स इंडेक्स, सो इट इज सेम लाइक द डेस्टिनेशन इंडेक्स। सो जो स्ट्रिंग सोर्स डाटा है दैट विल बी स्टोर्ड इन द RSI और विल कम फ्रॉम द SI सोर्स इंडेक्स। सो दीस सेवन टाइप ऑफ द रजिस्टर्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज रजिस्टर्स। इनके अलावा भी इनका काम होता है जो यहाँ पे लिखे हुए, मैंने एक एक जो है वो यहाँ पे हाईलाइट किया है, बट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द बुक कि इसके अलावा और इनके क्या फंक्शन हो सकते हैं। द सेकेंड टाइप जो है दे आर स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर भी इसके अंदर लिख दिए हैं इसने, बट कुछ बुक्स में अलग लिखा जाता है कि सेगमेंट रजिस्टर थर्ड टाइप है, बट दे हैव सम स्पेशल टास्क और फंक्शन दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय दीज रजिस्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, देन स्टैक पॉइंटर है, कुछ फ्लैग के लिहाज से एसोसिएटेड है, कुछ फ्लैग्स हमने पढ़े हैं DLD में, वहाँ पर भी यहाँ पर इसको देखते हैं कि और कौन से इसके अलावा फ्लैग्स होते हैं। और जो लास्ट टाइप ऑफ रजिस्टर्स हैं उनको सेगमेंट रजिस्टर्स कहा जाता है, ये 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, सो नाम से ये जाहिर है कि इट एड्रेसेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन अ सेक्शन ऑफ मेमोरी डिफाइंड एज द कोड सेगमेंट। सो इन्होंने कहा कि कोड सेगमेंट एक लेट से रजिस्टर है और जिसके ज़रिए से आप कोई एड्रेस बनाते हैं, सो कोड सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साथ मिल के एड्रेस बनाएगा, ठीक है। ये पेयर आगे डिफॉल्ट आएगा, वो आपने टेबल जो है वो जहन में रखना है। मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए लिख भी देता हूँ, बट एक डिफ़ॉल्ट सेगमेंट और रजिस्टर का पेयर होता है जो कि आपने याद रखना है, वो अगले चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट साथ आगे मर्ज करेगा। सो अगर बेस एड्रेस कोड सेगमेंट से आ रहा है, अभी ये बेस एड्रेस या ऑफसेट अभी आप लव सुन लें,
बट व्हेन वी विल डू द एग्जांपल सो वो चीज़ें आपके जहन में क्लियर हो जाएंगी कि बेस एड्रेस का क्या मतलब होता है और ऑफसेट का क्या मतलब है. सो सी एस अगर बेस सेगमेंट है या कोड सेगमेंट से आपके पास कोई सेक्शन ऑफ मेमोरी बनाते हैं आप एड्रेस, सो द आई पी जो है वो आपको ऑफसेट देगा. सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज स्टैक पॉइंटर. स्टैक का वर्ड तो सुना होगा आपने, सेक्शन ऑफ मेमोरी को स्टैक कहा जाता है जिसमें पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन हमने आपने पढ़ी होंगी डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है. सो इस केस में अगर आपके पास स्टैक सेगमेंट है सो फर्स्ट ऑप्शन ये होती है कि द ऑफसेट विल कम फ्रॉम द स्टैक पॉइंटर, बट द सेकेंड ऑप्शन यू कैन ऑल्सो यूज द बेस पॉइंटर. तो ये डिफॉल्ट पेयर होते हैं जो आपने जहन में रखने हैं जब हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे इसकी. ओके ये बुक की एग्जाम्पल है कि फ्लैग की पूरी डिटेल बनी हुई है. सो फ्लैग रजिस्टर्स कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते बल्कि इनको स्टेटस रजिस्टर कहा जाता है कि किसी भी वजह से अगर आप कोई लेट्स से एडिशन परफॉर्म की है आपने सो कैरी फ्लैग हाई हो जाएगा. हाई होने का मतलब क्या है कि अगर उसकी वैल्यू वन हो जाती है तो ये आपको स्टेटस बताते हैं कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उनकी वजह से कोई फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू चेंज हुई है. सो दैट विल बिकम हाई और लो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन. और कंट्रोल आप इसे कर सकते हैं. तो ये बात आपने याद रखनी है, दे नेवर चेंज फॉर एनी डाटा ट्रांसफर और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन. डाटा को नहीं ये चेंज करते, सिर्फ स्टेटस बता रहे होते हैं आपको. सो कुछ फ्लैग्स आपने सुने हुए हैं तो इसमें से पहली 16 बिट्स आपने देखनी है, ठीक है. सो हम फ्लैग रजिस्टर की बात करेंगे. सो आप जब इसकी डायग्राम देखेंगे बुक से उसको बिट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से बिट्स पे क्या है, ये चीज़ जहन में रखनी है, ठीक है. सो अगर हम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो 4 से 5 फ्लैग रजिस्टर का, तो उसको 1 by 1 आप कोई से 5-6 याद कर लें और उसका एक फंक्शन 1 line में डिस्क्राइब कर सके. याद करने की ज़रूरत नहीं है कि जो फ्लैग रजिस्टर की बिट नंबर 0 है उस पर कैरी है या 1 पे ये है, ये नहीं चाहते हैं हम आपसे. सिर्फ फंक्शन चाहते हैं कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है. कैरी आपको आइडिया है इसका, इट होल्ड्स अ कैरी आफ्टर एडिशन और बोरो आफ्टर द सब्ट्रैक्शन. सो देन वी हैव अ पैरिटी फ्लैग, इसको PF कहा जाता है. इट इज़ लॉजिक 0 फॉर द ऑड पैरिटी एंड लॉजिक 1 फॉर द इवन पैरिटी. पैरिटी का आइडिया है ना, DLD में पढ़ा है हमने इसको. पैरिटी चेकर भी होता है और पैरिटी जनरेटर भी है, चैप्टर 3 में पढ़ा था इसको. यस सर. ऑड ठीक है. ऑड पैरिटी का मतलब नंबर ऑफ वंस अगर ऑड हैं, सो अगर ऑड पैरिटी होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी पी फ्लैग की. अगर 1 है इसका मतलब है आपके डाटा में इवन पैरिटी है, ठीक है. तो स्टेटस फ्लैग है. ऑक्सिलरी कैरी है, इसको ए फ्लैग कहा जाता है. कुछ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुई या लॉजिक, अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो 0 फ्लैग हाई हो जाएगा, ठीक है. जो आपको ये बता रहा होगा कि रिजल्ट आपके पास 0 आ गया है, तो जी शुड बी 1. देन देयर इज अनदर फ्लैग विच इज़ कॉल्ड एस फ्लैग. ये साइन बताता है आपको कि आपका जो डाटा है उसका साइन क्या है. सो अगर इसकी वैल्यू 1 है साइन बिट की, तो क्या मतलब होगा आपका जो नंबर है और रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है. और अगर एस 0 है आपके पास तो इसका मतलब क्या है कि नंबर पॉजिटिव है, यानी अनसाइंड है, पॉजिटिव नंबर है. देन ट्रैप फ्लैग है, ये डीबगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एरर को ट्रैप या जज करने के लिए. अज्यूम फ्लैग है. ओवरफ्लो फ्लैग है कि जब साइन नंबर्स को आप ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा है DLD में, कि अगर एडिशनल एक्स्ट्रा बिट चाहिए होती है तो वो फ्लैग हाई हो जाएगा. ओके ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लें. आई फ्लैग, इसको इंटरप्ट फ्लैग कहा जाता है. तो दिस फ्लैग कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट पिन. ये भी जहन में रख लेंगे. INTR एक पिन होती है जो कि डिफरेंट IO डिवाइसेस से या किसी भी लेट से और डिवाइस से इनपुट आएगी. इसको सेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है STI है. STI का मतलब होता है सेट इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है. CLI का मतलब होता है क्लियर इंटरप्ट फ्लैग, इसके लिए CLI यूज़ करते हैं. ओके अब ये थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लें, ये ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें आगे मुश्किल ना हो. ओके कुछ डिफरेंट IO डिवाइसेस हैं, ठीक है. तो ये अपनी रिक्वेस्ट सेंड करती हैं माइक्रो प्रोसेसर को थ्रू INTR पिन, जिसको इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहा जाता है. अब किस डिवाइस को पहले सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, ठीक है, जिसके ज़रिए से जो डिफरेंट IO डिवाइसेस हैं उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है. सो ये एक थोड़ा सा रफली आइडिया दिया गया आपको. इसके ऊपर पूरा चैप्टर है इंटरप्ट कंट्रोलर के नाम से, जो इंटरप्ट को हैंडल करता है और उसके डिफरेंट इनपुट पिन्स हैं और इंटरनल रजिस्टर्स हैं जिसके ज़रिए से ये हैंडल की जाती हैं. बट टू गिव यू एन आइडिया कि देर आर सम डिवाइसेज विच वांट्स टू कम्युनिकेट विद माइक्रो प्रोसेसर. सो लेट्स से देर शुड बी सम मक्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन लाइन, लेट्स से और सम प्रायोरिटी
their request will be forwarded to the microprocessor. Okay? So there are different mechanisms used in the to deal with the interrupts. पहले मुझे कौन बताएगा what is meant by interrupt? Any idea? फिर इसकी डिटेल देखेंगे. किसी पाथ में रिकावट आ जाना, मिसलन डाटा डाटा आ रहा है मगर वो एकदम से ड्रॉप हो जाए. ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकती है? पहले मुझे ये बताएं कि लेट से मल्टीपल डिवाइसेज हैं जो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो क्या होगा? कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए ना कि पहले इसको सर्विस मिलेगी, इसको सर्विस मिलेगी, क्या क्या ऐसा ही होगा. ठीक है, सो अब हर जो आईओ डिवाइसेज है उसका डाटा रेट वेरिएबल होता है. क्या होता है? वेरिएबल होता है. किसी का डाटा स्लो है, कोई ऐसी डिवाइस को आपने सर्विस दे दी, लाइट से कीबोर्ड जो है वो स्लो डिवाइसेज हैं, आप कोई वर्ड पे कोई काम या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो यूज़र के ऊपर डिपेंड कर रहा है. आप वर्ड फाइल में कोई लिख रहे हैं कोई चीज़, तो हर वक्त तो आप की प्रेस नहीं कर रहे, आप सोच भी रहा होता है यूज़र, फिर कोई की प्रेस करता है, तो जब तक की प्रेस नहीं होती, लाइट से इंटरप्ट सिग्नल जनरेट नहीं होता और लाइट से वो कमांड उसको नहीं जाती, आपके डिस्प्ले में नहीं आता, तो कोई ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी स्पीड स्लो है, तो उसकी वजह से कोई और टास्क जिसको वेट करना पड़ रहा है, तो उससे बचने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म हैं कि कोई प्रायोरिटी स्कीम होनी चाहिए जिससे ये जो डिलेज हैं इनसे बचा जा सके. ठीक है, सो पहला मैकेनिज्म तो ये होता है कि पोलिंग परफॉर्म की जाए कुछ खास टाइम इंटरवल के बाद, लेट से INTR पिन को सेंसर के थ्रू सेंस किया जाए कि किसी आईओ डिवाइस ने रिक्वेस्ट तो नहीं सेंड की, तो जिस आईओ डिवाइस की रिक्वेस्ट आई होगी उसको पहले सर्विस प्रोवाइड की जाएगी. इसको कहा जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ठीक है, जिसकी रिक्वेस्ट पहले आ गई उसको सर्विस मिलेगी, चाहे वो स्लो है या फास्ट है. ठीक है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, इसको कहा जाता है पोलिंग मैकेनिज्म. ओके, कुछ खास इंटरवल के बाद, लेट से 10 मिली सेकेंड के बाद या 20 मिली सेकेंड के बाद, द माइक्रो प्रोसेसर विल सेंस इट्स INTR पिन और जिस आईओ डिवाइस की रिक्वेस्ट आई होगी दैट विल बी प्रोवाइड, सर्विस विल बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर डिवाइस. ओके, द सेकेंड मैकेनिज्म कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रायोरिटी बेस्ड इंटरप्ट हैंडलिंग. इसको सेट करने के लिए हर एक आईओ डिवाइसेस का प्रिविलेज या प्रायोरिटी लेवल होता है जिसको कहा जाता है IOPL. ठीक है, ईच आईओ डिवाइस हैज इट्स ऑन प्रिविलेज. प्रिविलेज का मतलब प्रायोरिटी या प्रिविलेज एक मतलब है इसका, सो इसको कहा जाता है IOPL. ये 2-bit का फ्लैग होता है, यहाँ लिख लें अगर नहीं लिखा, सो इट इज़ अ 2-bit फ्लैग. ओके, अब इसमें कंडीशन है कि आईओ डिवाइस को सर्विस मिलनी है या नहीं मिलनी, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. करंट प्रिविलेज लेवल, पीएल का मतलब प्रिविलेज लेवल है, दैट शुड बी ग्रेटर देन IOPL. करंट प्रिविलेज लेवल जो है वो यूजर सेट करता है. ठीक है, इसकी डिटेल आगे जब हम एड्रेसिंग मोड्स में जाएंगे तो वहाँ भी आएगी कि करंट प्रिविलेज लेवल का क्या मतलब है, और IOPL का मतलब इनपुट जो आईओ डिवाइस लगाई जा रही है उसका प्रिविलेज लेवल है, जो हर आईओ डिवाइस का वेरिएबल होता है. अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये इक्वल भी यहाँ लिख लें, इक्वल पे भी एग्जीक्यूट होता है. करंट प्रिविलेज लेवल ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए IOPL के, सो आईओ डिवाइस जिसकी रिक्वेस्ट आई है उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी. ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और ये इसके लेवल लिखे हुए हैं कि अगर 2-bit है तो 4 वैल्यूज होंगी. क्या ख्याल है? 00 है, 0110 एंड 11. सो इसमें ये मैकेनिज्म फ्लो किया जाता है कि अगर वैल्यू 00 है तो हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल होगा, देन उसके बाद 01 है उसका सेकंड होगा, फिर देन 10 है, और अगर 11 है IOPL की वैल्यू, दैट डिवाइस हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी और प्रिविलेज लेवल. ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको सेट किया जाता है, चेक कर सकते हैं आप. ये बाकी आप इसको देख लीजिएगा, CPU ID के नाम से आपने सुना होगा, तो ID फ्लैग होता है जिसमें आइडेंटिफिकेशन बड़ी होती है प्रोसेसर की, कुछ इंटरप्ट फ्लैग के लिहाज से हैं, तो ये कुछ बाकी ई वाले पार्ट में आते हैं, तो आप सिर्फ फ्लैग रजिस्टर को देख लीजिएगा 16-bit में कौन कौन से रजिस्टर है. सो दैट कंक्लूड्स द फर्स्ट पार्ट. 2 parts के स्पेशल पर्पज को देख लिया आपने, मल्टीपर्पज को भी. स्पेशल में ही एक सब पार्ट होता है जिसको सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है, हमने देखी थी कि देयर आर 16-bit रजिस्टर्स. टोटल होते कितने हैं? 4-6 होते हैं. अब इसका पर्पस देखना चाहते हैं हम कि इनका पर्पस क्या है वन बाय वन. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के आगे हमने इसको यूज करना है डिफरेंट एड्रेसिंग मोड में, एड्रेसेस जनरेट करने के लिए मेमोरी में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फंक्शन कि इसका नाम क्या है, क्या काम करता है, फिर हम इसको एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे. सो दे आर ऑल 16-bit रजिस्टर्स, टोटल दे आर 4-6. फर्स्ट 4 मैंने जैसे आपसे कहा कि फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं,
जो एफ एस और जी एस है ये सप्लीमेंट्री हैं, यूज़ नहीं कर सकता यूज़र। फंक्शन क्या है, दे आर यूज टू जनरेट द मेमोरी एड्रेसेस, ठीक है। वन पॉइंट फंक्शन है कि मेमोरी एड्रेसेस हमने इसे जनरेट करने हैं। ओके, सो साइज 16 बिट है, सो कितने एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, ये बात आपको समझ आई है कि अगर 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर है, सो 2^16 डिफरेंट एड्रेसेस आप बना सकते हैं इससे। सो 2^16 अगर आप 16 करते हैं, दैट विल बी 64K। क्या ख्याल है, ये सबको क्लियर है पॉइंट? यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास? के अगर सेगमेंट रजिस्टर का साइज 16 बिट है और वो क्लेम कर रहा है कि इस रजिस्टर को यूज करके यू वांट टू मेक मेमोरी एड्रेसेस, सो बाय डिकोडिंग यू कैन जनरेट 2^16 डिफरेंट एड्रेसेस, सो दैट विल बी द साइज ऑफ द मेमोरी विल बी 64 KB। ये क्लियर है सबको, 2^16 कैसे आया 64K? यस सर। ओके फाइन, so next part is different type of segment registers. So the first one is CS, पहले abbreviation देख लें। the abbreviation of the CS is code segment. so code का मतलब program है या procedure है। C++ में आप program का कहते हैं इसको, और assembly के अंदर program को कहा जाता है procedure, ठीक है। so it is a section of memory that holds the code. code भी कह सकते हैं आप, प्रोग्राम है या प्रोसीजर है यूज बाय द माइक्रो प्रोसेसर। तो नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या चीज़ पड़ी होगी, इसमें प्रोग्राम या कोड आपका या प्रोसीजर पड़ा होगा कोड सेगमेंट में। सेगमेंट का साइज कितना होता है, शाबाश बताएं। व्हाट इज द साइज ऑफ ईच सेगमेंट? सर रजिस्टर पर डिपेंड नहीं करता, आपको कि 16 बिट रजिस्टर है, सो व्हाट शुड बी द साइज? 64K। क्या साइज होता है सेगमेंट का, याद रखनी है बातें जो आपसे बार बार मैं कर रहा हूँ। क्या साइज होगा? 64K होगा। क्यों होगा 64 किलोबाइट क्यों होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है ना, तो 2^6 है वो 64 होता है, 2^10 के होता है, तो 64K होगा। क्यों होता है? बिकॉज सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट के होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आप क्लियर होना चाहिए। वाई 64K बिकॉज द सेगमेंट रजिस्टर का साइज 16 बिट होता है, जिससे हम एड्रेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ सेगमेंट इज डेटा सेगमेंट। सो इट इज अ सेक्शन ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स मोस्ट डेटा यूज बाय द प्रोग्राम, ठीक है। नाम से इसका जाहिर है, और ऑफसाइड एड्रेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री है ये। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेगमेंट। सो इट इज एन एडिशनल डेटा सेगमेंट, अगर डाटा आपने मजीद स्टोर करना है, सो उसके लिए एक्स्ट्रा सेगमेंट बनाया गया है, और नॉर्मली इसको स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में डेस्टिनेशन डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलें आगे पेयर आ जाएगा, वहाँ उसके साथ टेबल आपको रेफरेंस कर देंगे, वो याद रखना है। सो इट इज़ एन एडिशनल डाटा सेगमेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस टू होल्ड द डेस्टिनेशन डाटा। ओके, लास्ट वन इज स्टैक सेगमेंट, इसको SS कहा जाता है। सो इट डिफाइन द एरिया ऑफ मेमोरी यूज फॉर द स्टैक, एरिया ऑफ मेमोरी को स्टैक कहा जाता है। तो स्टैक एंट्री पॉइंट और बेस पॉइंट या बेस एड्रेस इज डिटरमिंड बाय द स्टैक सेगमेंट एंड स्टैक पॉइंटर, ठीक है। इसमें आपसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर स्टैक सेगमेंट बेस एड्रेस देता है, तो स्टैक पॉइंटर से आप ऑफसेट फाइंड कर सकते हैं कि उस मेमोरी लोकेशन में किस एड्रेस पे जाना है, और द सेकेंड ऑप्शन यू कैन ऑल्सो यूज द बेस पॉइंटर। FS और GS सप्लीमेंट्री सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, विंडोज इनको अपने फंक्शन में यूज करती है, यूजर को ये अवेलेबल नहीं है। ओके, एक टेबल आपसे शेयर कर लूं, फिर हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। गिव मी वन मिनट, इसको टेबल आपसे शेयर कर लूं, फिर हम इस पे वापस आते हैं। तो सुनने में 22 मार्च को हम यूनिवर्सिटी बुला रहे हैं, पता नहीं मुझे नहीं इसका आइडिया, अभी आई हैव नो आइडिया। इसे घबराना नहीं है आपने चीज़ों से, इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको लॉजिक से और सीख के करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी इंजॉय करेंगे, अगर रट्टा लगाने की याद करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगी आपको। ये मेरी एडवाइस है, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा DLD से उससे चीज़ों से, कि
या आपने चीज़ों को सीखना है तो आपको काफ़ी आसानी होगी। सो ये टेबल मैंने हाईलाइट करना था, तो ये आपने याद रखना है। सो इट इज़ कॉल्ड डिफॉल्ट 16 बिट सेगमेंट एंड ऑफसेट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ये उसमें डालना चाहिए था। चलें, ओके फाइन, ठीक है, ये टेबल आपने याद रखना है। ये चार सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, सो वी हैव अ कोड सेगमेंट, सो द ऑफसेट विल कम फ्रॉम आईपी, ठीक है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। चैप्टर 3, 4, 5, 6 तक जाएगा, ये तंग करेगा बार बार आपको, तो ये एक दफ़ा आप जहन में बिठा लें, एग्जाम्पल्स करते रहेंगे बार बार ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है, ये बार बार पूछूंगा मैं आपसे चीज़ें। सो द डिफॉल्ट सेगमेंट इज इफ कोड सेगमेंट, सो द ऑफसेट विल कम फ्रॉम द आईपी। ऑफसेट और बेस एड्रेस की अभी एग्जाम्पल करते हैं हम रियल मोड में, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेस एड्रेस क्या होता है और ऑफसेट क्या है। आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहलाता है। सो इफ़ यू आर यूजिंग द स्टैक सेगमेंट, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू यूज द स्टैक पॉइंटर और द सेकेंड इज बेस पॉइंटर। सो डाटा सेगमेंट के साथ देखें, मल्टीपल ऑप्शन हैं, बी एक्स डी आई डेस्टिनेशन इंडेक्स है, एस आई, ये एब्रीवेशन भी याद कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो। बी एक्स बेस इंडेक्स या बेस रजिस्टर है, डी आई डेस्टिनेशन इंडेक्स, एस आई सोर्स इंडेक्स है, और कोई कॉन्स्टेंट नंबर 8 बिट या 16 बिट, यू कैन ऑल्सो यूज दिस विद द डाटा सेगमेंट। सो डाटा सेगमेंट हैव मल्टीपल ऑप्शन। तो लास्ट वन इज एक्स्ट्रा सेगमेंट है, ये हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होता है। सो डेस्टिनेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से ES के साथ आप DI को यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चार जो पेयर हैं ये आपने याद रखने हैं, इसको भूलना नहीं है। सो कमिंग बैक टू द एग्जांपल, सर ये पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है? जी जी, थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें नहीं है इसमें। अभी आपने जो सेगमेंट पढ़ाए हैं सर, ये उनका कह लें कि समरी है, ये टेबल समरी है और पेयर है कि अगर बेस एड्रेस इस सेगमेंट रजिस्टर से आ रहा है तो ऑफसेट किस से आएगा, ठीक है। एग्जांपल करते हैं थोड़ी सी, ताकि चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं कि हम क्यों पेयर क्यों बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। ये थर्ड आर्टिकल है चैप्टर 2 का, टाइटल फॉर दिस आर्टिकल इज रियल मॉड मेमोरी एड्रेसिंग। अच्छा, आप मुझे कौन बताएगा रियल मेमोरी का साइज क्या होता है? रियल मेमोरी, कन्वेंशनल मेमोरी, डॉस मेमोरी, तीन नाम बताए थे और साइज बताया था मैंने, शाबाज बताएं। 16 बिट। नो, 16 बिट तो डाटा का साइज है। शाबाज, व्हाट इज मेंट बाय रियल मेमोरी, कन्वेंशनल मेमोरी, डॉस मेमोरी? मेमोरी स्ट्रक्चर में बताया था कि जो फर्स्ट 1 मेगा है उसके दो पार्ट्स होते हैं, TPA सिस्टम एरिया। साइज क्या होता है कन्वेंशनल मेमोरी का? सर 600 पता नहीं कितना था, 600 पता नहीं कितना था सर। डिवीजन नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि रियल मेमोरी का साइज क्या होता है। शाबाश, यानी वो दोबारा बताएं, आवाज कटी आपकी। 1 मेगा। 1 मेगा क्यों होता है 1 मेगा? सर आपने तो ये बताया था ना कि जैसे वो ऊपर वाले में हमने पढ़ा था, जैसे 15 मेगाबाइट होता है, मतलब 16 होता है तो 15 ऊपर चला जाएगा और एक जो है 1 मेगा जो है वो नीचे स्टोर होगा। इसी तरह 32 में भी ऊपर 31 होगा, नीचे होगा। दोनों बातें ठीक हैं, मुझे बताएं कि रियल मेमोरी तो 1 मेगा ही होती है, वो तो एक्सटेंशन में तो बाद में जाएगा जब साइज बढ़ेगा 1 मेगा से। रियल मेमोरी का साइज 1 मेगा ही होता है, क्यों होता है 1 मेगा? मेमोरी का ताल्लुक किससे है? चलें आधा जवाब दे देता हूं। 20 bits याद रखनी है मेमोरी से चीजें। मेमोरी का जो लिंक है वो एड्रेस के साथ होता है, ये याद रखना है आपने। और जो प्रोसेसर जब कहते हैं हम 8 bit है, 16 bit है, 32 bit है, उसका ताल्लुक डेटा बस के साथ या इंटरनल रजिस्टर्स के साथ होता है, ठीक है। सो इफ़ 86 और 88 में जो दोनों ही 16-bit माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, इसका क्या मतलब है कि दोनों में जो रजिस्टर्स होंगे इंटरनल वो 16-bit होंगे। कौन से होंगे? AX है, BX है, सेगमेंट रजिस्टर्स होंगे उनमें, IP होगा, SP होगा, बेस पॉइंटर होगा, SI है, DI, ये तमाम 16-bit रजिस्टर्स होंगे इंटरनली इसमें। और एड्रेस बस का साइज़ क्या होता है रजिस्टर्स का? 20 bits होता है। सो 2 raised to 20 करें सो यू विल हैव 1 मेगा, ठीक है। अब ये बातें भूलनी नहीं है आपने कि जो फर्स्ट 1 मेगा है, फर्स्ट नहीं बल्कि 1 मेगा ही कहना चाहिए 86-88 में, सो इसको रियल मेमोरी, कन्वेंशनल मेमोरी या डॉस मेमोरी कहा जाता है। अब इस 1 मेगा में किस एड्रेस पे जाना है, सेगमेंट कैसे बनाने हैं, वो अब हम देखना चाह रहे हैं इस सेगमेंट में, ठीक है। सो
सो दिस आर्टिकल इज नोन एज रियल मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग. अब अगला पहला पॉइंट देख लें, इसको ध्यान से समझ लें. 8286 एंड अबव माइक्रो प्रोसेसर्स ऑपरेट इन आइदर द रियल और प्रोटेक्टेड मोड. 286 का मतलब क्या है कि लेट से 1 मेगा से जो ग्रेटर अगर साइज आ जाता है 286 में, आप जाके इसकी एड्रेस बिट्स चेक करें. सो इनमें दोनों ऑप्शंस होती हैं कि रियल और प्रोटेक्टेड में वर्क करते हैं. अगर 1 मेगा के अंदर आपका कोई एड्रेस है सो इसका मतलब है कि आप रियल मोड में वर्क कर रहे हैं. 1 मेगा से ग्रेटर आप लेट से सेगमेंट बनाते हैं या उसमें कोई एड्रेस जनरेट करते हैं तो उसका मतलब आप प्रोटेक्टेड मोड में हैं. इस आर्टिकल में हम सिर्फ रियल मोड की बात करते हैं, ठीक है. रियल मोड में एड्रेस कैसे बनता है, सेगमेंट्स कैसे बनेंगे. तो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द प्रोटेक्टेड मोड. ओके, अब कुछ इसमें डेफिनेशंस हैं और फिर इसकी एग्जांपल करते हैं. इसको ध्यान से समझना आपने, ठीक है. इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और चीज़ें आपसे जो है वो पूछी जा सकती हैं क्विज में. रियल मोड अलाउज द माइक्रो प्रोसेसर टू एड्रेस ओनली द फर्स्ट 1 मेगा ऑफ द मेमोरी स्पेस, ठीक है. ये याद रखनी है बात आपने. रियल मोड का मतलब फर्स्ट 1 मेगा है, रियल मेमोरी का मतलब 1 मेगा है. फर्स्ट 1 मेगा इज कॉल्ड रियल कन्वेंशनल और डॉस, ठीक है. ये याद रखनी है बातें. डॉस रियल मोड में ऑपरेट करता है, विंडोज में रियल मोड नहीं होता है, इसमें प्रोटेक्टेड मोड होता है, ठीक है. और जो भी कोई ऑपरेशन होगा माइक्रो प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट वो पहले रियल मोड में आएगा और फिर आप डिफॉल्ट उसमें चले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेगमेंट. ये कौन बताएगा कि रियल मोड में क्यों स्टार्ट होता है प्रोसेसर? अभी जब चैप्टर 1 की हम डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे एक चीज़ थी बायोस, ठीक है. जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप लेट्स से 4F0 के ऊपर आते हैं, उसकी डिटेल भी आएगी थोड़ी देर बाद के वहाँ पे क्यों आता है. तो बायोस में जाके वो पहले चीज़ें चेक करता है आपकी सारी के जो रैम है लेट्स से मेमोरी है या ड्राइवर्स हैं वो ओके हैं, देन द सिस्टम विल लेट्स से स्टार्ट, ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट होगा रियल में, देन इट विल गो टू द प्रोटेक्टेड और एनी ऑन द प्रोसेसर. ओके, दो कीवर्ड्स यूज होते हैं रियल मोड में. द फर्स्ट वन इज सेगमेंट एंड द सेकंड वन इज ऑफसेट, ठीक है. ये दो बार बार वर्ड्स यूज हो रहे हैं. सेगमेंट क्या होगा, ऑफसेट क्या होगा. सो अब इन दोनों से मिल के हमने एड्रेस बनाना है, ठीक है. उसका तरीका क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेगमेंट एड्रेस एंड एन ऑफसेट एड्रेस एक्सेसिज अ मेमोरी लोकेशन इन द रियल मोड. सो रियल मेमोरी का साइज क्या होता है? क्या बस थोड़ा थोड़ा आंसर बताते जाएं फिर हम. 1 मेगा, ठीक है. 1 मेगा का क्या मतलब है? एड्रेस कितने बिट का होगा? 5s, ठीक है. तो याद रखनी है बातें, भूलनी नहीं है. ओके, हाउ यू विल मेक द मेमोरी एड्रेस? सो बेस एड्रेस विल कम फ्रॉम द सेगमेंट एड्रेस, ठीक है. सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस. सो बेस एड्रेस विल कम फ्रॉम द सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट. ऑफसेट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यूनिवर्सिटी के लिहाज से देखें, सो देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन योर यूनिवर्सिटी. सो अगर आप इलेक्ट्रिकल में लेट से आना चाहते हैं, सो इलेक्ट्रिकल विल बी द सेगमेंट एड्रेस. इसके किस रूम में अगर लेट से आपको टाइम टेबल मिलता है, उसमें लिखा होता है कि रूम 1 में इस सब्जेक्ट की क्लास है, रूम 2 में है. सो कितने स्टेप्स आप लेंगे फ्रॉम द एंट्रेंस टू रीच दैट पर्टिकुलर रूम, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. कोई आइडिया समझ आया है कि लेट से अगर आपने किसी लोकेशन में पहुंचना होता है उसका कोई एड्रेस होता है, ठीक है. जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि लेट से बेस एड्रेस इज द डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, उसके रूम 1 में जाना है, तो कितने स्टेप्स लेंगे फ्रॉम द एंट्रेंस टू रीच दैट पर्टिकुलर रूम इस कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट और ऑफसेट. क्लियर है ये पॉइंट के फिजिकली क्या मतलब है इसका, बेस एड्रेस का क्या मतलब होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. अब इसको वैल्यूज प्लग करके एग्जांपल देख लेते हैं फिर इसकी. क्लियर है पॉइंट ये कि मेमोरी एड्रेस का क्या मतलब है? सर फेस कर सकते हैं सर, प्लस ऑफसेट एड्रेस का क्या मतलब है? ऑफसेट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप पहुंच गए. लेट्स से अगर बिगर लेवल पे देखें कि आपको पता है कि हर सेगमेंट का एक स्टार्टिंग एंडिंग एड्रेस है. अभी हम उसको देखते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे निकालते हैं. जैसे कि यूनिवर्सिटी लेट से एक पूरी मेमोरी है 1 मेगा की, तो उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स या डिपार्टमेंट्स हैं. तो हर डिपार्टमेंट का एक लेट से अपनी लोकेशन एक एड्रेस है. उस डिपार्टमेंट में किस लोकेशन पर जाना है तो देट विल कम फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट और ऑफसेट के. उसमें किस जगह पर जाना है तो इसमें भी ऐसे ही होता है. जब सेगमेंट्स बनाए जाते हैं मेमोरीज में, अभी हम देखते हैं कैसे बनेंगे, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे बनेगा, उस सेगमेंट में किस लोकेशन पे जाना है, तो वो ऑफसेट के जरिए से आप मूव करते हैं, ठीक है. सेगमेंट का साइज क्या होता है?
अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं हमने सेगमेंट रजिस्टर्स. व्हाट इज द साइज ऑफ सेगमेंट रजिस्टर? 64 के. जो से सेगमेंट बनाते हैं मेमोरी आप 64 के बनती है, बिकॉज जो सेगमेंट रजिस्टर होता है वो 16 बिट का होता है. अच्छा अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको फिजिकली देखते हैं बना के और एग्जांपल के साथ आगे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए चीज़ें. अब ऑफसेट एड्रेस सेलेक्ट्स एनी लोकेशन विद इन द 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी सेगमेंट. अब एक सेगमेंट बना लिया, उन 64 के में किस लोकेशन पे जाना है तो वो कहाँ से पता लगेगा? दैट विल कम फ्रॉम द ऑफसेट और डिस्प्लेसमेंट. ओके, सेगमेंट्स हैव अ लेंथ ऑफ 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी सेगमेंट. ये याद रखनी है, सेगमेंट साइज इसमें फिक्स होता है. मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपके ध्यान में बैठ जाए. ये बात नहीं भूलनी है आपने, 64 किलोबाइट का मैम सेगमेंट होता है मेमोरी का. रियल मोड के अंदर हम उसकी बात कर रहे हैं. अब ये इसकी एक आपको फिजिकली विजुलाइजेशन दिखाई है कि एक लेट से रियल मेमोरी है, यू हैव टू राइट एच हेयर और यू आल्सो हैव टू राइट एट द लास्ट एड्रेस. ये सबको क्लियर है, एक मेमोरी है उसमें स्टार्टिंग एड्रेस 1 मेगा में ये होगा, एंडिंग ये होगा. इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को. सर इसमें एक बात थी, इसमें 40 नहीं आना चाहिए. आपने बताया था कि वो 16 बिट है, 16 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो वो 4 आता है, तो 40 और साथ में एच आना चाहिए था. ये 50 है. आपसे वही अभी इस पॉइंट ठीक है, अभी इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अभी सही क्वेश्चन है. अभी हम इसी पॉइंट पे आने लगे थे कि अगर सेगमेंट रजिस्टर का साइज 16 बिट है तो 16 बिट को अगर आप हेक्सा में लिखें तो 4 डिजिट्स आते हैं उसमें हेक्सा में. और जो आप इसे मेमोरी बनाना चाह रहे हैं रियल मोड, उसका साइज तो 1 मेगा, और 1 मेगा बनाने के लिए 20 बिट्स चाहिए, तो एक एडिशनल जो डिजिट है हेक्सा का वो कहाँ से आएगा? ठीक है, तो अभी इस पॉइंट के ऊपर आने लगे हैं कि 16 बिट से 20 कैसे बनेंगे. ठीक है, ओके, पहले इस पॉइंट को देख लें, फिर हम इसको डेटा डाल के देख लेंगे डमी. ओके, ई सेगमेंट रजिस्टर इज इंटरनली अपेंडेड विद 0 और 0H ऑन इट्स राइट मोस्ट एंड. ठीक है, आप इस पॉइंट को देख लें कि इंटरनली अपेंडेड होगा ऑन द राइट मोस्ट साइड टू मेक इट 20 बिट्स. लेट्स से कोई सेगमेंट रजिस्टर है, अभी हम नहीं आपको बता रहे कौन सा सेगमेंट है, इन चारों में से कोई भी हो सकता है. सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू है 1000 इन हेक्सा. ठीक है, ये हेक्सा में है नंबर सारे जो लिखे गए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर इज 1000 इन हेक्सा. सो ये कौन बताएगा कि 4 डिजिट क्यों है हेक्सा में सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू? ये आवाज क्लियर नहीं है. एनी अदर स्टूडेंट? डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज में थोड़ी सी. एनी अदर स्टूडेंट, व्हाई वी हैव 4 डिजिट्स ऑफ हेक्सा? सर आपने पहले था ना 16 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 आ जाएगा. 16 बेटा सर. ठीक है, सेगमेंट रजिस्टर का साइज 16 बिट है, दैट्स व्हाई वी विल हैव 4 बिट्स 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स. ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि वी मस्ट हैव 20 बिट्स टू मेक इट्स 20 बिट एड्रेस. ओके फाइन, व्हाई वी आर मेकिंग 20 बिट्स? बिकॉज वी वांट टू एक्सेस 1 मेगा ऑफ द मेमोरी. ठीक है, 1 मेगा हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 20 बिट का एड्रेस चाहिए. सो ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी वैल्यू आपको सेगमेंट रजिस्टर की दी जाए, so each segment register is internally appended with 0 on its right most side. सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि उसके right side पे 0 लगाएंगे हेक्सा में to make it 20 bit address. So let's say for example if the value of segment register is 1000, तो इसके right पे एक और 0 लगा देंगे. Let's say पहले 1000 था, तो अब क्या हो जाएगा? क्या बच बताएं, पहले अगर 1000 था तो अब क्या हो जाएगा? This will become 10,000. सर बट 10,000 बनाएंगे तो वो तो उसका हम वो उसकी क्या कहते हैं लेफ्ट साइड पे ऐड नहीं करते थे, अब राइट साइड पे ऐड करेंगे तो ये तो नंबर ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है ना, ये इसमें इंटरनल अपेंड करते हैं 20 बिट्स बनाने के लिए. ठीक है फैजल, नंबर तो चेंज हो जाता है, वो तो बात दुरुस्त है आपकी. जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे उससे भी चेंज हो जाता है, बट देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर के इंटरनली इसको 16 से 20 कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है. ठीक है, लेफ्ट पे क्यों नहीं लगाते, उसकी रीज़न पे भी अभी एग्जांपल के बाद डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर लेफ्ट पे लगाएंगे तो उसमें क्या नुकसान है हमें. ठीक है, इस तरीके में थोड़ा नुकसान है, अगर लेफ्ट पे लगाएंगे उसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज है हमें. ठीक है, उस पर डिस्कशन करते हैं. मैं आपको पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि लेफ्ट पे क्यों नहीं लगाया जाता. ओके अच्छा, मुझे अब कौन बताएगा कि लेट से 10,000, अब पहली बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव सम वैल्यू ऑफ सेगमेंट रजिस्टर, दैट विल बी 4 डिजिट्स इन हेक्सा. जो भी नंबर दिया गया है उसके राइट पे 0 लगाया जाएगा,
to make it 20 bits. So that will become the base address. So 10,000 in hexa will be the base address. So ये जो line लगाई गई है ये base address है. यहाँ तक कोई question है तो पूछ लें. Right और left वाली discussion अभी मैं कर लेता हूँ. ये सब पहला point clear है सबको. So append the zero on the rightmost side to make it 20 bits or five digits in hexa that will become the base address or the starting address. Okay, अब मुझे बताएं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है किसी भी सेगमेंट रजिस्टर में. जीरोज हैं अगर सारे तो कहाँ तक जा सकते हैं? फाइव नहीं, हमने चार की हमारे पास वेरिएशन है बिकॉज 16 बिट वेरी कर सकते हैं. सर फिर 4F होंगे. 4F हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आप इलेक्ट्रिकल में एंटर हुए हैं तो उसकी रेंज क्या है कि जो एक्सटेंशन आपका ब्लॉक है उसकी जो लास्ट लेट से बाउंड्री है सो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, यानी जीरो से एफ तक जा सकते हैं आप. सो अगर 16 बिट नंबर है, चार जीरोज हैं आपके पास या कोई भी नंबर है, सो मैक्सिमम 16 बिट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है कि चारों जो डिजिट हैं एग्जाम में एफ हो जाएं. क्या ख्याल है? ठीक है ये. सो जो लास्ट एड्रेस फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि बेस एड्रेस में 4Fs ऐड कर दें आप. सो यू विल ऐड 4Fs इन हेक्सा. ठीक है, जो पॉइंट ना समझ आए वन बाय वन मैं इसको लेके चल रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, इसको डील करना काफ़ी आसान है बट बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसको कंफ्यूज कर देते हैं तो इसलिए उन चीज़ों से बचें. जो जो सवाल या चीज़ें हैं वो आप क्लियर कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. सो द सेकेंड स्टेप क्या है? टू फाइंड द लास्ट एड्रेस you will add 4Fs in hexa. That is the maximum displacement that will be given by a 16-bit number. ठीक है, so 16-bit क्यों है? Because segment register में इसको displacement देनी है, उसका size 16-bit होता है. So इन दोनों को add कर लेंगे, अभी तो सारे zeros हैं, तो क्या number आ जाएगा? 1 4FH 1 4Fs आ जाएंगे. So यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, जहाँ भी cursor है 1 4Fs. So that will be the लास्ट एड्रेस ऑफ दिस सेगमेंट. सेगमेंट अभी हमें नहीं पता कि ये कोड सेगमेंट है या डाटा है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ तक बात क्लियर है कि बेस एड्रेस फाइंड कर लिया आपने बाय अपेंडिंग द जीरो एंड ऐड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू फाइंड द लास्ट एड्रेस ऑफ दैट सेगमेंट. इन दोनों को माइनस करें तो लेट से क्या वैल्यू आती है? 4Fs आएंगे. क्या ख्याल है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? 4F है. अगर आप इसको लेट से डेसिमल में ले जाते हैं तो दैट विल बिकम 64K, जो कि स्टार्ट में बताया गया था कि जो मैक्सिमम साइज है सेगमेंट का वो 64K होगा. ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास होगा बट इसको ऐड करने का तरीका आपको आना चाहिए. कुछ और नीचे एग्जांपल देखेंगे तो हेक्सा में आप एडिशन कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यानी एफ और जीरो ही ऐड हो रहा है तो एफ आ जाएगा. कोई और नंबर है तो वी कैन सी. इसको जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसका लिखने का तरीका अब ये है. देखें, आप ऑफसेट की बात करते हैं, हमने सेगमेंट बना लिया, अब इसका लिखने का तरीका ये है. देखें, 1000 बेस एड्रेस होता है जिसमें जीरो अपेंड करके हमने स्टार्ट एड्रेस बनाया था और 4F कट करके लास्ट एड्रेस बना लिया. अब ये एक सेगमेंट बन गया जिसका साइज 64K है. अब इस सेगमेंट में किस लोकेशन पे जाना है दैट विल बी टोल्ड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट और ऑफसेट. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उन्होंने कहा F000 है. क्या वैल्यू है? F000 है. ये कौन बताएगा? डिस्प्लेसमेंट में अब चार डिजिट क्यों है एग्जाम में? और जो सेगमेंट रजिस्टर हम इस्तेमाल करते हैं 16 बिट था. 16 बिट हम सेगमेंट रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो 16 बिट है, इस वजह से 16 बिट है. दूसरा ये बात याद रखनी है कि 16 बिट से ज्यादा इसमें इसलिए नहीं हो सकता है कि जो सेगमेंट का साइज है वो 64K है. 64K में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स की वेरिएशन आप ला सकते हैं वो 16 बिट्स हैं. 16 से बढ़ेंगे तो साइज 64K से बढ़ जाएगा बल्कि, और इस केस में सेगमेंट जो रजिस्टर का साइज है वो फिक्स होता है जिससे आप मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. ठीक है, अब इस लोकेशन पे कैसे जाना है आपने उसका तरीका देख लें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव द बेस एड्रेस. सो बाय बेंडिंग द जीरो यू विल हैव द स्टार्टिंग और बेस एड्रेस. सो देन यू विल ऐड दिस नंबर टू द बेस एड्रेस. ये नंबर ऐड करें तो क्या नंबर आ जाएगा? ये 1F000. क्या ख्याल है? सो अब ये समझाने की कोशिश की है कि जब आप ऑफसेट इसमें ऐड करेंगे सो अल्टीमेटली यू विल रीच दैट पर्टिकुलर लोकेशन. ये समझाने के लिए बताया गया एक लोकेशन है जिसका एड्रेस क्या है 1F000. ठीक है, और लास्ट लोकेशन पे अगर जाना हो बेस से तो क्या वैल्यू ऐड की जाए? तमाम वैल्यूज को एफ कर दिया जाए तो यू अल्टीमेटली यू विल रीच एट द लास्ट लोकेशन ऑफ दैट सेगमेंट.
सो एनी क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर लेट्स से एड्रेस कैसे बन रहा है और ऑफसेट की वैल्यू कैसे ऐड हो रही है और लास्ट एड्रेस कैसे फाइंड होता है? सर ये ऑफसेट वाले का दोबारा बता दें। ऑफसेट क्या है कि इसका लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि जो इसमें पहले चार नंबर हैं, दिस इज द स्टार्टिंग और बेस एड्रेस ऑफ एनी सेगमेंट कॉलन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द ऑफसेट। सो हाउ विल यू रीच एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन? You will add this number that is called displacement or offset into the to the base address to reach that particular location. So 10,000, let's say in hexa, is the base address. So you will add F000. So ultimately you will reach at 1F000 to reach that particular location. Any other question? किसी exam में और कोई सवाल है तो पूछ लें। सर इसमें जो हमने 4 से 5 बिट के अंदर आए थे वो थोड़ा बता दें, वो 20 था जो सेगमेंट रजिस्टर में उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं। इसमें कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये थोड़ा और एग्जांपल दी है कि अगर 3000 है बेस एड्रेस लेट से, तो जीरो पेंड किया दिस विल मेक 30,000 और 4F मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऐड कर लें तो ये लास्ट एड्रेस का आ जाएगा आपके पास 3FFF। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि फैसल आपने पूछा, मुझे ये बताएं 10,000 के बाद अगला एड्रेस क्या होगा इसका? 10,001 ठीक है, 2 आगे फिर F तक जाएगा, F के बाद फिर ये अगली वेरी होगी। तो जो भी नंबर आप सेगमेंट रजिस्टर का देंगे, ये बात सब सुन लें ध्यान से, जो भी नंबर आप सेगमेंट रजिस्टर का देंगे उसमें राइट मोस्ट पे हमेशा 0 लगेगा, ये बात मानते हैं आप? यस और नो? जो भी आपको सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू दी जाएगी उसमें 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होंगे। 20 बनाने के लिए क्लेम आपको ये दिया कि इंटरनली अपेंड होगा राइट मोस्ट साइड पर 0। इसका मतलब ये है कि हर सेगमेंट रजिस्टर की जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होगा हेक्सा में वो हमेशा 0 होगा। सर इसका मतलब ये है ना कि अभी जो इधर आपने लिखा हुआ है एच, इसके आगे हमने 0 लगा के ये 10,000 ये यूनिट 10,000 को हमने 10,000 बनाया। अब हम जब इसके अगले बेस एड्रेस उसके अगले एड्रेस पे जाएंगे तो वो 0 इधर अभी जो 5 है इधर 1 आ जाएगा लास्ट पे और उसके बाद 0 लगाएंगे। नो 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 अभी 5 0 क्या है सर? इधर यहां पे ये 50 एच लिखा हुआ ना बेस एड्रेस था जो उसके ऊपर हमने उसको किया कि एक 0 लगाया जब हमने उसकी आगे एंड तो इसके राइट पे 0 लगाया टू मेक इट 20 बिट्स जी। यहां देखिए क्या आगे सर, इसके बाद जब अगले इसके एड्रेस के ऊपर जाएंगे तो 10,001 हो जाएगा। हाँ इंक्रीमेंट होगा ना, 1 होगा 2 होगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि 16 लोकेशंस के बाद दोबारा 0 आता है, ये बात क्लियर है सबको कि जो हेक्सा की वेरिएशन है वो 0, 1, 2, 3 एफ तक जाता है, उसके बाद 0 आता है क्योंकि एफ 15+1 करेंगे तो 16 होगा, कैरी आगे 1 आगे मूव कर जाएगा ये 0 हो जाएगा। क्या ख्याल है, ये बात मानते हैं? तो इसका मतलब ये है कि 16 बाइट्स के बाद अगला सेगमेंट शुरू हो सकता है, इसको कहा जाता है पैराग्राफ बाउंड्री और पैराग्राफ भी कहा जाता है। मतलब क्या है कि जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर 1000 है बेस एड्रेस, लेट से मैं एक और नंबर लिख देता हूं ताकि आप लोगों की परेशानी थोड़ी सी कम हो जाए, 16F0 ये लेट से सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू है। इसकी बेस स्टार्टिंग एड्रेस कैसे बनाएंगे आप? हमाद मेरे ख्याल में आपके माइक में थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है, उसको चेक कर लें, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है। सो एनी अदर स्टूडेंट शाबाश बताएं 16F0 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? सर राइट साइड पे 0 पेंड करेंगे। ठीक है, आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी हमाद, आवाज़ नहीं आ रही सही, इसको माइक में देख लें किसी चीज़ में इशू है। ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट अदर देन हमाद? राइट पे सर 0 पेंट करेंगे। ठीक है, राइट पे 0 पेंट करेंगे, इसका क्या मतलब है कि हमेशा जो भी नंबर आपको दिया जाएगा सेगमेंट रजिस्टर में उसका राइट मोस्ट डिजिट होगा हेक्सा में हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मल्टीपल सेगमेंट्स आएंगे, स्टार्टिंग एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है, तो मल्टीपल जब सेगमेंट्स आएंगे लेट से ये 10,000 से एक सेगमेंट शुरू हो गया है, जब मल्टीपल सेगमेंट आएंगे तो 100 यहाँ पे 1 आना चाहिए फिर, यानी 1001 से स्टार्ट हो सकता है। दोनों सेगमेंट्स के दरमियान एक बाउंड्री है दैट विल बी ऑफ 16 बाइट्स, यानी 16 बाइट से पहले आप
नया सेगमेंट शुरू नहीं कर सकते, यानी 10,000 अगर बेस एड्रेस है 10,000 1 2 5 से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे जिसमें चार या ऐसे ज़्यादा सेगमेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि सेगमेंट्स आपस में ओवरलैप हो सकते हैं, दोनों के दरमियान गैप हो सकता है, ठीक है, दोनों बाउंड्रीज टच कर सकती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अब वो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर राइट साइड पे ज़ीरो पेंड करते हैं तो उसकी वजह से जो दो सेगमेंट्स के दरमियान गैप आता है वो 16 बाइट्स का है। उसकी वजह क्या है कि 16 लोकेशंस के बाद ज़ीरो से एफ तक वेरी करती है सबसे राइट मोस्ट डिजिट, उसके बाद वो ज़ीरो होता है, ठीक है, इन 16 लोकेशंस के बाद वो ज़ीरो हो जाता है और कैरी आगे मूव कर जाता है। अगर लेफ्ट साइड पे ज़ीरो पेंड करेंगे तो जो उसकी बारी आएगी तो ये सारी लोकेशन ज़ाया हो जाएंगी, इसकी पहली चार की वेरिएशन ख़त्म होगी, ये तमाम सारे एफ एफ हो जाएं, तब जाके इसमें वन ऐड हो, फिर जाके ये ज़ीरो होगा। ये देखें, लेट्स से अगर चार मैंने एफ लिखे हैं या थ्री एफ लिखे हैं, लेट्स से ये नंबर है मेरे पास, इसमें वन ऐड करूँगा तो क्या नंबर आएगा, कौन बताएगा? जीरो ट्रिपल एफ एस में वन ऐड करें तो क्या होगा, एफ प्लस वन क्या होगा, 16, 16। तो अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, कैरी आगे मूव कर जाएगा वन, ऐसा ही है। यस सर। ये दोबारा क्या होगा, एफ प्लस वन जीरो, फिर जीरो आ जाएगा और लास्ट में वन आ जाएगा, ठीक है। तो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर लेफ्ट पे जीरो पेंड करेंगे तो ये तमाम वेरिएशन होगी, तब जाके यहाँ जीरो आना चाहिए। तो यानी बहुत सारा जो आप वन मेगा के दरमियान बहुत सारी लोकेशंस हैं उनको ज़ाया कर देंगे, ठीक है। तो वेट करते रहेंगे जब तक ये सारा वेरिएशन नहीं हो जाती, तब मैं ज़ीरो लगाऊँ और अगला सेगमेंट शुरू करूँ। तो बजाय इसके, इससे बचने के लिए जो आसान रास्ता है वो ये है कि आप राइट साइड पर ज़ीरो पेंड कर दें तो उसमें जो हमारे पास बाउंड्री आती है बिटवीन द टू सेगमेंट्स दैट विल बी ऑफ द 16 बाइट्स के, 16 लोकेशन के बाद अल्टीमेटली जो सबसे राइट मोस्ट बिट है, डिजिट है एग्जाम में, दैट विल बिकम जीरो, दैट्स वाई वी अपेंड द जीरो ऑन द राइट मोस्ट साइड, ठीक है। ये तमाम बिट्स वेरी होने के बाद लेफ्ट साइड पर बारी आती है, तो देर विल बी मोस्ट ऑफ द लोकेशन जो कि ज़ाया है कि हम उससे पहले सेगमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, बाउंड्री का साइज ज़्यादा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम राइट साइड पर जीरो पेंड करते हैं। तो दैट इज़ द मेन रीज़न, एंड दैट बाउंड्री इज ऑल्सो कॉल्ड द पैराग्राफ लिमिट और पैराग्राफ। ओके, सो सर ये जो ऊपर एग्जाम ऊपर साइड पे आपने एडिशन की हुई है 30,000 वाली, सर इसमें तीन एफ क्यों आए हैं, नीचे चार क्यों नहीं आए? वन मिनट, यहाँ चार होने चाहिए, चार होने चाहिए, यहाँ गलती है, सो देयर शुड बी अनदर एफ बिकॉज इसमें जीरो बैंड हुआ हुआ है तो फाइव डिजिट्स होने चाहिए, सो यहाँ एक और एफ आना चाहिए। देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स, सो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, योर सेल्फ देख लें, सो यू हैव कैलकुलेटर्स बट मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो लेट से सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू 2000 है इन हेक्सा, सो स्टार्टिंग एड्रेस क्या हो जाएगा, जीरो पेंड करेंगे दैट विल मेक 20,000 और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे 4 एफ्स, सो दिस विल बिकम 2 टेट्रा एफ, ठीक है। इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, अगर 2100 है तो 21,000 हो जाएगा स्टार्टिंग, 4 एफ से ऐड करेंगे तो एफ प्लस जीरो एफ प्लस जीरो एफ प्लस जीरो एफ आ जाएगा। एफ प्लस वन जीरो क्यों होता है, ये सबको क्लियर है? एफ का क्या मतलब होता है, डेसिमल में क्या वैल्यू होती है आपकी? 15। सो 15 प्लस वन करेंगे तो 16 मिलेगा आपको, ठीक है, मैनुअली भी कर सकते हैं आपको, 15 प्लस वन करेंगे तो 16। हेक्सा की बेस क्या होती है, व्हाट इज द बेस फॉर हेक्सा डेसिमल? 16। So you will divide this number by 16. So 16 was 16, or the remainder will be 0. So that's why यहाँ पे 0 लिखा जाता है, carry आगे move कर जाता है. So 2 plus 1 will be 3. So 30 triple F will be the ending address. Last address कैसे find किया जाता है? Base address में क्या add करते हैं? क्या बात बताएं? Last करते हैं placement. फोर एफ्स ऐड करते हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू रीच द लास्ट लोकेशन ऑफ दैट सेगमेंट। ये वो पेयर है, सॉरी, इसमें बना हुआ है जो मैंने आपको हाईलाइट किया था, डिफॉल्ट सेगमेंट एंड ऑफसेट रजिस्टर्स। ये लेफ्ट साइड पे जो कॉलम है, दीज आर द सेगमेंट रजिस्टर्स एंड द सेकेंड कॉलम वी हैव डिफरेंट ऑफसेट, तो ये याद रखनी है आपने बात, ठीक है।
ओके ये दो तीन पॉइंट्स देख लें फिर हम इसकी और एग्जांपल करते हैं एक. सो मेमोरी सिस्टम कैन टच, आपस में दोनों मिल सकते हैं और इवन ओवरलैप इफ 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ सेगमेंट. 64 किलोबाइट्स से अगर छोटा कोई सेगमेंट चाहिए तो इन आपस में मेमोरी को ओवरलैप करवाया जा सकता है, दोनों को आपस में बाउंड्रीज को टच करवाया जा सकता है और दोनों में गैप भी हो सकता है. देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. ठीक है. प्रोग्राम कैन हैव मोर देन 4 to 6 सेगमेंट्स बट ओनली एक्सेसिस 4 or 6 सेगमेंट्स एट अ टाइम. ओके ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जिसमें आपको 4 सेगमेंट्स की वैल्यू दी गई है. ये आपसे पूछा जा सकता है आपके क्विज में या मिड एग्जाम में, 4 सेगमेंट्स की वैल्यू देगी और आपको कहा जा सकता है फिजिकली सेगमेंट्स को ड्रा करें. ठीक है, बुक की एग्जाम्पल है आपकी. सो इसको ट्राई करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल आप लोगों को एक टास्क दे देता हूँ तो वो आप ट्राई कर लीजिएगा. ठीक है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से आपने एक मेमोरी ड्रा कर ली रियल. तो इसमें स्टार्टिंग एड्रेस 5 जीरोज इन हेक्सा है और द लास्ट एड्रेस 4 एफ्स इन हेक्सा. ठीक है. ओके लेट्स से वी विल स्टार्ट विद द डेटा सेगमेंट. सो डेटा सेगमेंट की वैल्यू से है आपके पास 1000 इन हेक्सा. सो व्हाट विल बी द स्टार्टिंग एड्रेस फॉर द डेटा सेगमेंट. पहला स्टेप क्या होगा शाबाश बताएं. सर जीरो अपेंड करते हैं राइट साइड पे. जीरो अपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा नंबर एग्जाम में. 10,000. सो आप सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे लगाएं हॉरिजॉन्टल. सो यहाँ पे लिख दें 10,000 और आगे सेगमेंट एक बनाएं और उसके अंदर लिख दें डाटा. ओके लास्ट एड्रेस क्या होगा इसमें, क्या चीज ऐड करें 10,000 में. 4F ऐड करें. सो क्या नंबर आ जाएगा. One tetra F in hexa. So this will become the data segment. So any question in this segment? अभी data segment में कोई problem है तो पूछ लें. Okay. Next one is the code segment और code segment की value है 2000. So starting value क्या होगी इसकी. शाबाश बताएं. What should be the starting value for the code segment? 20,000. वन बाय वन बोलेंगे. सर 20,000 सर. 20,000 हो जाएगी. ठीक है शाबाश. अच्छा अब पहला केस इसमें आ रहा है वो हम डिस्कस करते हैं. मुझे ये बताएं चलें डेटा सेगमेंट का लास्ट एड्रेस क्या है. 1 टेट्रा एफ. ओके 1 टेट्रा एफ. इसमें 1 ऐड करें जरा क्या नंबर बनता है. नेक्स्ट एड्रेस बनाने के लिए प्लस 1 करना होगा. एड्रेस नॉर्मली प्लस 1 होते हैं, इंक्रीमेंट किया जाता है. एफ प्लस 1 क्या आ जाएगा. 0. भी हमने डिस्कस किया. अगेन 0 कैरी आगे मूव करता रहेगा. सो वी विल हैव 4 जीरोस और लास्ट में 1 + 1 = 2 हो जाएगा. यानी 20,000 विल बी द नेक्स्ट एड्रेस. कौन सा केस है इसमें दोनों सेगमेंट्स की बाउंड्रीज आपस में क्या हो रही हैं, टच हो रही हैं. ठीक है, एक सेगमेंट खत्म हुआ साथ ही अगला सेगमेंट स्टार्ट हो गया. फर्स्ट केस. ठीक है. सो वन सेगमेंट इज फिनिश्ड. सो एट द नेक्स्ट एड्रेस नेक्स्ट सेगमेंट इज स्टार्टिंग. देर इज नो गैप बिटवीन दीज टू सेगमेंट्स डेटा एंड कोड सेगमेंट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. सबको बात क्लियर है. जैसे ही खत्म हुआ साथ ही अगला सेगमेंट शुरू हो गया. ये जो है वो कॉमन है दरमियान में. यहाँ तक क्लियर है. सो 20,000 में 4F ऐड करेंगे. सो अल्टीमेटली यू विल हैव द लास्ट एड्रेस दैट विल बी 2 टेट्रा एफ. दैट विल बी द लास्ट एड्रेस फॉर दिस कोड सेगमेंट. क्लियर है पॉइंट ये. ओके देन 2 टेट्रा एफ में प्लस 1 करेंगे. सो दिस विल बी 30,000. तो अगर 3000 होती स्टैक सेगमेंट की वैल्यू सो अगेन सेम केस होता कि दोनों बाउंड्रीज आपस में टच करती. बट Here we have a value of 3400 for the stack segment. So 3400 में 0 append करेंगे. So 34,000 will be the starting address for the stack. इसका क्या मतलब है, कुछ free space आएगी between the code segment and stack segment. क्या ख्याल है. Free space इसको कहा जाता है या gap कहा जाता है कि memory gap कहा जाता है या free space कहा जाता है are available between the two segments. ये बात सबको क्लियर है. 34,000 में 4F ऐड किए जाएंगे टू फाइंड द लास्ट एड्रेस ऑफ दैट स्टैक सेगमेंट. सो दिस विल बी 4300F. पहले 3 जीरोज F में ऐड हो जाएंगे एज इट इज आ जाएंगे. F इज 15
So 15 plus 4, that is 19. 19 को divide करेंगे अगर 16 से, so 3 will be remainder, 1 carry आगे move कर जाएगा. So this will be 43 triple F in hexa. That is the last address for the stack segment. Okay, then the last value for the extra segment, that is 4900. So again, you will make the starting address, that will be 49000. Or by adding the 4 Fs, you can find the value of the last value of the extra segment. That will be squared karke dekhen kya value aa rahi hai. Shabash bataein, 49000 is the starting address. Aur extra segment ki last value mujhe bataein kya aa rahi hai. अब थोड़ा सा आप इसको चेंज करके देख लें. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर कोर सेगमेंट की वैल्यू 1500 है, ठीक है, आपसे मैं चाहता हूँ ये दो सेगमेंट मुझे आप बता दें, 5 मिनट्स लें और इसको ड्रॉ करें, ठीक है, 5 मिनट्स लगेंगे नहीं लेकिन चलें. डेटा सेगमेंट की वैल्यू 1000 है और कोड सेगमेंट अगर मैं चेंज कर देता हूँ फ्रॉम 2000 टू 1500, सो कौन सा केस आएगा? क्या इसमें बाउंड्रीज आपस में टच करेंगी या गैप आएगा या ओवरलैप करेंगे सेगमेंट्स? काइंडली इसको ड्रॉ करें, देन ओवरलैप होगा. ठीक है, इसको काइंडली अगर आप पेज पे ड्रॉ करके दिखा दें. बाकी लोगों को भी ट्राई करने दें, थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लें दो सेगमेंट्स को. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं. सर थोड़ी सी ब्रेक दे दें नमाज के लिए. ब्रेक कर लें आप, 5 मिनट्स की ब्रेक आपका कर लें ब्रेक. सर एक ही दफा खत्म कर लें, बाद में हम पढ़ लेंगे, वैसे भी तो छोड़ गए. 5 मिनट दिए हैं ना, आप उसको देख लें. नमाज पढ़नी है, मैंने भी बस आधे घंटे तक चल रही क्लास और फिर 2:30 पे कोशिश करते हैं कि खत्म हो जाए, अदरवाइज 40 पे खत्म कर देंगे. इसको ड्रॉ कर लें ब्रेक, उसी की दी है आपकी, थोड़ा सा आप सोच लें चीज़ों के बारे में कि कौन सा केस आता है ये, ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं. सर जी जी सर, मैं इस टीम में ऐड नहीं हूँ, मुझे काइंडली आप टीम में ऐड कर लें. रजिस्टर मेरा हो गया, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं थी लेकिन अब हो गया. अब नाम बताएं पहले, कौन बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद तलहा पीजादा, 19EE184. ठीक है, मैंने वो रिक्वेस्ट की थी थ्रू सी एल्स फर्स्ट क्लास में, उस दिन आवाज़ का थोड़ा इशू आ रहा था, तो अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है आपकी रिक्वेस्ट आई है. तो इसमें तला ये है कि एकेडमिक सेल में सामा साहब हैं, और या आप सीआर के थ्रू एकेडमिक सेल से कांटेक्ट करें. सर मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है, मैं गया था एकेडमिक सेल, वो सर सामा से मैंने किया, उन्होंने नई लिस्ट भेजी है, उसमें रजिस्ट्रेशन मेरी हो चुकी है, तो आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐड कर लें. थोड़ा सा आपने क्वेश्चन किया है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन, ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिया है सो यू हैव टू लिसन द कम्प्लीट आंसर. Then you can ask any other thing, ठीक है? That is the standard procedure कि अगर आप किसी से प्रॉब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो wait for your turn. Once the answer is complete, then you can ask any other question, ठीक है तला? So yes sir, actually मेरा net थोड़ा issue है, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. ठीक है, okay. So इसका procedure ये होता है कि once the faculty receives a list from the academic cell, we will add the members in the team. तो उसमें इशू ये था, मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीक उसामा साहब से, कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई ऑनलाइन या जिस तरीके से भी है. कुछ एडिशनल स्टूडेंट्स हैं या रेलिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, कुछ आपके रेगुलर मेंबर्स भी हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि एक हफ्ते के बाद मतलब उसको अपडेट करके दे विल सेंड द अपडेटेड लिस्ट. सो अभी तक उधर से लिस्ट रिसीव नहीं हुई, ठीक है. वंस आई रिसीव्ड द लिस्ट फ्रॉम द एकेडमिक सेल, आई विल ऐड ऑफिशियली, ठीक है. अदरवाइज आप इस तरीके से क्लास ले लें, सो अटेंडेंस लिस्ट के जरिए से उसको मैं डाउनलोड करके मैनेज हो जाएगा,
दैट्स व्हाई मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये तमाम लोगों के लिए है, इसलिए पर्सनली वन बाय वन इसको चैट में ना भेजें, सो वेट फॉर अ व्हाइल, वंस आई रिसीव द लिस्ट आई विल ऐड। सर एक्चुअली मैं आ गया है लिस्ट व्हाट्सएप पे, इसलिए मैंने कहा सर आपको कॉल। नो, इसमें ये है कि दे विल सेंड लिस्ट ऑन ऑफिशियल ईमेल, सो टिल नाउ आई हैवंट रिसीव द लिस्ट। ओके सर। ओके सर, पीडीएफ तो चेक कर जी, मैं शेयर करता हूँ, मुझे बताएंगे कि फैसल ने इसको ट्राई किया है, इसमें बाउंड्रीज ओवरलैप हो रही है, गैप है, या कौन सा केस है ये? पर ओवरलैप ही होंगी, ओवरलैप होंगी, ठीक है। तो इस तरह के केसेस और विद द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर्स आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको फिर आपने प्रैक्टिस कर लेना विद द डिफरेंट सेट्स ऑफ द एग्जांपल, ताकि अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जी जी पूछें सर। इसके अंदर बेसिकली ये ना कि सबसे पहले जीरो अपेंड करेंगे, फिर उसका बेस एड्रेस, उसका फाइनल एड्रेस फाइंड कर लेंगे, फोर एफ ऐड करके उसके अंदर, फिर हम देख लेंगे उसके आगे वाला जो सेगमेंट कौन सा है, अगर उसका और जो पीछे वाले का जो लास्ट कह लें कि लास्ट एड्रेस है वो अगर वो कॉमन है, मतलब सेम है, तो फिर तो गैप नहीं होगा। अगर उनके दरमियान थोड़ा सा वो लास्ट वाला और अगले वाले का बेस एड्रेस उसमें फ़र्क है तो गैप आ जाएगा, अगर नीचे वाला उससे ऊपर जा रहा है तो ओवरलैप हो जाएगा। सेम केस है, तीन चार केसेस हैं। ठीक हो गया, तो इसको आप आसान है, इसको डील करना इतना मुश्किल नहीं है, सो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोटेक्टेड मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग, सो रियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, आसान है इसको डील करना। सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है सेगमेंट्स का, ठीक है, साइज ऑफ सेगमेंट क्या होता है, जो मेमोरी सेगमेंट बनते हैं वो 64K होता है, वो फिक्स है, मैक्सिमम ऑफसेट की वैल्यू 4F है, ठीक है, और जो सेगमेंट रजिस्टर का साइज है वो 16 बिट होता है, ठीक है। ये दो तीन की फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। व्हेन यू हैव मल्टीपल सेगमेंट्स इन द रियल मेमोरी, द सेगमेंट्स कैन टच ईच अदर, दे कैन ओवरलैप, और दे मे हैव सम स्पेस बिटवीन द सेगमेंट्स, देर आर थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। सो जो रियल मेमोरी है उसका साइज 1 मेगा होता है, ठीक है, वो 8086 और अप टू 286 तक आप उसको ऑपरेट करवा सकते हैं। जो अबव माइक्रो प्रोसेसर हैं दे कैन ऑपरेट बोथ इन द रियल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड। जब आप प्रोटेक्टेड मोड की बात करते हैं इसका मतलब है कि 1 मेगा से जब साइज इंक्रीज करेगा मेमोरी का, ठीक है, 286 एंड ऑनवर्ड के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसको भी पहले थ्योरेटिकल इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं, फिर हम इसमें डिफरेंट इसका डिस्क्रिप्टर या टेबल यूज़ होता है, फिर हम उसको देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आप इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, इससे परेशान ना होना, आपके बहुत सारी इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो है, एग्जाम्पल से जब आप इसको ट्यून करेंगे तो यू विल डू, आप उसको कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8286 एंड अबव दे अलाउ एक्सेस टू डेटा एंड प्रोग्राम लोकेटेड अबव 1 मेगा ऑफ मेमोरी, ठीक है, जिसको एक्सटेंडेड मेमोरी सिस्टम कहा जाता है, एज वेल एज विद इन द फर्स्ट 1 मेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। ओके, रोल ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर, अब सेगमेंट रजिस्टर का क्या रोल होता है रियल मोड में, क्या बस बताएं? टू सेलेक्ट मेमोरी, टू सेलेक्ट द और मेक द मेमोरी सेगमेंट, टू मेक मेमोरी सेगमेंट, ठीक है, ऑफ साइज ऑफ 64 किलोबाइट। बट इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड मोड द रोल ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर चेंजेस टू सेलेक्टर, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि कुछ सेलेक्टर सेलेक्ट करे, That selects a descriptor from the descriptor table. अब इससे परेशान नहीं होना कि descriptor क्या होता है, descriptor table क्या है, वन बाई वन इसकी डिटेल आती जाएगी कि descriptor क्या है, selector क्या होगा, कहाँ पड़ा होगा, कैसे find होगा। Example के साथ हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। Okay, segment register वही है कि उसका size 16 bit है, but यहाँ पर role थोड़ा सा different है कि first of all it will selector, then selector will select a descriptor from the descriptor table. एक descriptor table है जिसके अंदर descriptor पड़े हैं, सेलेक्टर का काम ये है कि डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करे। अब डिस्क्रिप्टर होता कैसा है, किस प्रोसेसर के लिए कैसा है, देयर इज अ डायग्राम फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मेंट बाय डिस्क्रिप्टर। सो इट डिस्क्राइब्स द मेमोरी सेगमेंट लोकेशन, क्या चीज बताती है मेमोरी सेगमेंट की लोकेशन क्या है, लेंथ, लेंथ का मतलब साइज के साथ है, साइज क्या है, एंड एक्सेस राइट, ठीक है। तीन चीजें आपको डिस्क्रिप्टर बताता है, लोकेशन, लोकेशन का क्या मतलब होगा उसका,
एड्रेस क्या होगा, ठीक है शाबाश। और लेंथ का क्या, किसके साथ ताल्लुक है, साइज ऑफ द सेगमेंट क्या है, साइज ऑफ द सेगमेंट रियल मोड में कितना होता है, 1 मेगा, नो साइज ऑफ द सेगमेंट 64k, ठीक है ये भूली नहीं है बातें, लिंक कर रहा हूं मैं चीजें ताकि आप भूले ना, साइज ऑफ सेगमेंट 64k होता है बिकॉज़ 2 रेज टू पावर 16 करते हैं हम सेगमेंट रजिस्टर से मेमोरी सेगमेंट बनाते हैं और वो फिक्स्ड होता है 64k। वो जो हमने पीछे सेक्स पढ़े थे, दो तीन मोड पढ़े थे, तीन सेगमेंट पढ़े थे, हर सेगमेंट 64k का है, हर सेगमेंट 64k का है, ठीक है। बेस एड्रेस में 4f ऐड करते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाते हैं, चारों नंबर f पे वेरिएशन हो तो 64k आता है। चार जीरोस लिखे हैं एग्जाम में और चार f लिखे हैं एग्जाम में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें सो द नंबर यू विल हैव दैट इज विल बी 64k, ठीक है। बट इन दिस केस दो चीजें पढ़े ना, एक 64k पढ़ा, एक 1 मेगा पढ़ा, फिर 1 मेगा क्या था, वो 1 मेगा रियल मेमोरी का साइज है, उस 1 मेगा रियल मेमोरी को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, बाय रियल मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग, ठीक है। सेगमेंट्स कैसे बनते हैं, यू शुड हैव द वैल्यू ऑफ सम सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है, सो दैट विल गिव यू द स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस बनाएंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे तो लास्ट एड्रेस बना लेंगे। चार से चार सेगमेंट बना के देखे अभी हमने पिछले एग्जांपल में कि चार से छः बनाए जा सकते हैं, उसके लिए हमें सिर्फ सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू चाहिए होती है, उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हैं तो आपके पास लास्ट लोकेशन आ जाती है। किसी भी सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर लोकेशन को अगर आपने एक्सेस करना हो, दैट विल बी डन बाय डिस्प्लेसमेंट और ऑफसेट। वो कॉन्सेप्ट हमने उसे पिछले एग्जांपल में देखा था कि एक सेगमेंट बन गया, उसका स्टार्टिंग एड्रेस आपने जीरो पॉइंट करके बना लिया, फोर एफ ऐड कर लिए, यू विल हैव द लास्ट एड्रेस। तो अब आपने इस सेगमेंट में किसी लोकेशन पे जाना है, दैट विल बी डन बाय एडिंग डिस्प्लेसमेंट और ऑफसेट, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके ध्यान में क्लियर होनी चाहिए। सर फिर वो चार जो सेगमेंट बनाए थे, उन चार सेगमेंट को टोटल मिला के 1 मेगा हमारे पास मेमोरी बैंडविड्थ। ऐसा नहीं है कि पूरी मेमोरी के सेगमेंट बना दिए जाएं, आप कुछ हिस्सा फ्री भी छोड़ सकते हैं, कुछ सेगमेंट भी बना सकते हैं, इट्स अप टू द यूजर। आवाज काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है जी, आवाज नहीं क्लियर थी, बोलने में थोड़ा फैसला। बट एक्चुअली मगर वो बेशक फ्री भी छोड़ दे बीच में या कुछ कुछ स्पेस यूटिलाइज भी कर ले, मगर टोटल साइज तो 1 मेगा ही रहेगा ना, चार सेगमेंट को मिला, फोर सेगमेंट्स प्लस सम फ्री स्पेस, टोटल मेमोरी साइज विल बी 1 मेगा इन केस ऑफ रियल, 1 मेगा से बढ़ नहीं सकते आप। ओके सर, समझ आ गया। ओके नो, इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड मोड डिस्क्रिप्टर आपको तीन चीजें देगा। डिस्क्रिप्टर डिस्क्राइब्स द मेमोरी सेगमेंट लोकेशन, लोकेशन का मतलब एड्रेस है, लेंथ, लेंथ का मतलब साइज ऑफ द सेगमेंट है, साइज इसमें वेरी हो सकता है, वेरिएबल सेगमेंट ऑफ साइज होता है इस प्रोटेक्टेड मोड में, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। रियल मोड में सेगमेंट साइज फिक्स होता है 64k, प्रोटेक्टेड मोड में वेरिएबल हो सकता है, आगे हम इसकी डिटेल देखेंगे कि क्या हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम। तीसरी चीज़ हमें ही देता है एक्सेस राइट, एक्सेस राइट होता है कि उसके पास क्या राइट्स अवेलेबल है, क्या वो रीड राइट कर सकता है या डिफरेंट सेगमेंट को एक्सेस कर सकता है कि नहीं, उसकी भी डिटेल आ जाएगी एक्सेस राइट में क्या क्या चीज़ें हमने देखनी होती है। ओके, ऑफसेट एड्रेस कितने बिट का होता है रियल मोड में, ऑफसेट एड्रेस कितने बिट का होता है, एड्रेस कह रहा हूँ मैं, सेगमेंट नहीं कह रहा, व्हाट इज द साइज ऑफ ऑफसेट एड्रेस सर, 4f होते हैं, 4 बिट का होता है, 4f है एग्जाम में है तो बिट्स कितनी होंगी, बिट्स पूछ रहा हूँ ना, वैल्यू नहीं पूछ रहा, बिट्स पूछ रहा हूँ कितनी होती हैं ऑफसेट की, 16 बिट्स होती हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई आप उसको एग्जाम में चार उसमें लिख रहे होते हैं डिजिट्स में। सो ऑफसेट जो रियल मोड में है वो 16 बिट का है, बिकॉज आप सेगमेंट से बाहर नहीं जा सकते, सेगमेंट के अंदर ही रहना है आपने। ऑफसेट का मकसद क्या होता है, सेगमेंट में किसी लोकेशन पे लेके जाना, या तो उसी लोकेशन पे खड़े रहेंगे, या अगर सारी बिट्स को चेंज कर देते हैं तो आप लास्ट में चले जाएंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। सो इन केस ऑफ रियल मोड द साइज ऑफ द ऑफसेट इज ऑफ 16 बिट्स, ठीक है, ये दूसरा आप डिफरेंस में बता रहा हूँ। बट इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड मोड ऑफसेट एड्रेस कैन नाउ बी ऑफ 32 बिट्स, 32 का हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसर, ठीक है। अगर मुझे ये बताएं आप कि अगर 32 बिट का हो जाता है तो उससे जो मेमोरी आप एक्सेस कर सकते हैं वो कितनी हो जाएगी, 2 रेज टू पावर 32, सो दैट विल बी ऑफ साइज 4 गीगा, ठीक है, 2 रेज पावर 32 करेंगे, 30 करेंगे तो गीगा मिलेगा, 2 रेज पावर 2 विल बी 4 गीगा। ओके, दिस ऑफसेट इज एडेड टू द बेस एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द डिस्क्रिप्टर, जो भी ऑफसेट की वैल्यू है दैट विल बी एडेड टू द बेस एड्रेस
दैट विल बी कम फ्रॉम द डिस्क्रिप्टर. आगे अब डिस्क्रिप्टर आ रहे हैं कि डिस्क्रिप्टर कितना साइज होता है उसका, किस प्रोसेसर का डिस्क्रिप्टर कैसा होता है. तो डायग्राम्स हैं यहाँ, साथ लेफ्ट पे लिखा हुआ है 80 to 86 डिस्क्रिप्टर, ठीक है. ओके, राइट मोस्ट साइड पे लिखा हुआ है कि ये 386 से लेके पेंटियम 4 तक का डिस्क्रिप्टर है. ओके, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, देन वी विल डू द एग्जांपल. सो डिस्क्रिप्टर हमें तीन चीज़ें देता है, आई विल रिपीट, लोकेशन, लेंथ एंड एक्सेस राइट. ओके, द साइज ऑफ द ईच डिस्क्रिप्टर इज 8 बाइट्स. हर डिस्क्रिप्टर का साइज क्या होता है? 8 बाइट्स, ठीक है. दैट विल बी सेव्ड इन डिस्क्रिप्टर टेबल. आगे चले, अब ये दो डायग्राम्स आपकी बुक में बनी हुई हैं. सो टोटल 8 बाइट्स हैं, ये जो नंबर्स लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बाइट्स के नंबर हैं, ठीक है. ओके, अब मुझे ये बताएं कि लेट्स से बाइट नंबर 0 एंड 1 विल गिव यू द लिमिट. लिमिट का रोल देखते हैं आगे क्या है. लिमिट की वैल्यूज अगर 2 बाइट्स हैं तो कितनी बिट्स होंगी? 16 होगी. सो इसको L0 L15 लिखा गया. देन ये जो 2 और 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब बाइट नंबर 2 और 3 है, दैट विल गिव यू द बेस एड्रेस. बेस एड्रेस की 16 बिट्स, B0 से B15. देन बाइट नंबर 4 विल गिव यू आल्सो नेक्स्ट 8 बिट्स. सो 15 यहाँ से आ गई, 16 यहाँ से आ गई, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 15. देन बेस एड्रेस की 16 से 23 बिट्स जो हैं, दैट विल कम फ्रॉम द बाइट नंबर 4. इसको एग्जाम्पल में डाटा रख के देखेंगे, इसे परेशान ना होइएगा, ये उसकी डिटेल है कि कौन सी बाइट से क्या चीज़ मिलेगी हमें. देन बाइट नंबर 5 इज एक्सेस राइट. इसको डिटेल से देखते हैं. बाइट नंबर 5, यस, बोले आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, वैसे आवाज क्लियर नहीं है सर. मैं नहीं हूं जी. एनी अदर स्टूडेंट, कोई क्वेरी है तो पूछ ले. यस यू कैन आस्क, पूछें. ओके ओके, सो द बाइट नंबर 5 विल गिव यू द एक्सेस राइट. एक्सेस राइट की डिटेल देखते हैं कि अगर इसको पर्टिकुलर बिट्स में डिवाइड किया जाए 8 में, तो कौन से बिट्स से आपको क्या चीज़ मिलेगी. बाइट नंबर 6 एंड 7 आर बोथ जीरोस. ओके, अब मुझे बताएं जो बेस एड्रेस यहाँ आपको नज़र आ रहा है वो 0 से आपको 23 बिट्स नज़र आ रही हैं, इसका मतलब क्या होगा कि 24 बिट का बेस एड्रेस होगा. ओके, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है यहाँ पर अब, कि जो प्रोसेसर है उसकी जो एड्रेस बिट्स हैं उसका ताल्लुक बेस एड्रेस से होता है. अगर आप जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर 8286 जो प्रोसेसर देखा था, उसमें एड्रेस बिट्स की जो वैल्यू है वो 24 बिट्स होंगी, ठीक है, वो देख भी सकते हैं आप. तो 2^24 अगर आप करेंगे, दैट विल बी 1 मेगा 16 मेगा, ठीक है. दैट्स वाई 286 एंड ऑनवर्ड कहा था कि आप इसको प्रोटेक्टेड मोड में ऑपरेट करवा सकते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे जो बेस एड्रेस है उसके लिए 24 बिट्स रिजर्व की गई है. दैट विल कम फ्रॉम द बाइट नंबर 2, 3 एंड 4. बाइट नंबर 5 विल गिव यू द एक्सेस राइट, और जो लिमिट की वैल्यू है दैट विल कम फ्रॉम द बाइट नंबर 0 एंड 1. ऑन द राइट मोस्ट साइड आपके पास 386 एंड पेंटियम 4 डिस्क्रिप्टर है. 386 में डाटा बस भी 32 बिट्स की होती है, और जो एड्रेस बस है वो भी 32 बिट्स की होती है. 2^32 अगर आप करेंगे, सो दैट विल गिव यू द सेगमेंट, और मेमोरी विल बी 4 गीगा, ठीक है. सो इस केस में जो बेस एड्रेस है वो 32 बिट्स का हो जाएगा. पहली जो 5 बिट्स हैं वो सेम है, जो रिमेनिंग 8 बिट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 24 to 31, दैट विल कम फ्रॉम द बाइट नंबर 7, ठीक है. और जो दूसरा चेंज है 286 से जब आप कंपेयर करें, दैट विल बी द बाइट नंबर 6, ठीक है. 286 के केस में लिमिट का साइज 16 बिट होता है, बट इन दिस केस द लिमिट साइज इज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 20. ये L16 से L19, पहली 4 बिट्स जो है वो लिमिट की वैल्यू बनेगी. एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, ठीक है. पहली 4 बिट्स L16 से L19 मिलेगा आपको. देन AV अवेलेबल बिट कहा जाता है इसको, 0 है. देन D बिट है और एक ग्रैनुलरिटी बिट है. इनकी डिटेल देख लेते हैं कि D बिट का क्या काम होता है और G बिट का क्या काम होता है, ठीक है. ये इन दोनों की डिस्क्रिप्शन हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए. इसमें भी क्वेश्चन होगा आपके, जो मोस्ट प्रोबेबली क्विज होगा नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में, तो ये चीज़ें एग्जांपल के साथ इसको देख लें और कि आपके जहन में बैठ जाए. ये डिस्क्रिप्टर का मॉडल हो गया कि 8 बिट्स के अंदर होगा क्या एक्चुअली. सो सेलेक्टर सेलेक्ट्स वन ऑफ द 8192 डिस्क्रिप्टर्स अमंग वन ऑफ द 2 डिस्क्रिप्टर टेबल. टोटल इन्होंने बताया है कि 8192 डिस्क्रिप्टर्स होते हैं. सिलेक्टर का काम क्या होता है? इनमें से कोई एक सिलेक्ट करें, ठीक है.
अगर 8192 आपने डिस्क्रिप्टर्स बनाने हैं तो आपको 13 बिट्स चाहिए या 13 बिट्स आप सेगमेंट रजिस्टर की रिजर्व करेंगे, बिकॉज 2 रेज पर 13 करेंगे सो यू विल हैव 8192। तो सेगमेंट रजिस्टर का साइज टोटल 16 बिट्स होता है, उनमें से 13 बिट्स आप रिजर्व करेंगे सेलेक्टर के लिए जो कि 8192 डिस्क्रिप्टर में से कोई एक डिस्क्रिप्टर सेलेक्ट करें। देन देर आर टू डिस्क्रिप्टर टेबल, उनमें से कुछ ग्लोबल होते हैं कुछ लोकल हैं, ठीक है। ये डिफरेंस बताया है कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स दैट कंटेन द डेफिनेशन दैट अप्लाई टू ऑल प्रोग्राम्स, इसको यूनिवर्सल डिस्क्रिप्टर भी कहा जाता है। लोकल जो है वो एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर कहलाते हैं, ये यूनिक होते हैं एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी डिटेल में नहीं जाना हमने कि क्या चीज़ है क्या है, तो प्रोसीजर देखना है कि हाउ विल यू मेक द एड्रेस इन द प्रोटेक्टेड मोड। 8192 ग्लोबल हैं, उतने ही लोकल हैं, दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो टोटल दिस विल बी 16384 डिस्क्रिप्टर्स टू एनी एप्लीकेशन एट एनी टाइम। पड़े कहाँ होते हैं डिस्क्रिप्टर, ये डिस्क्रिप्टर टेबल में पड़े होते हैं। टेबल का साइज कैसे फाइंड करेंगे, देखें टोटल 8192 हैं, हर डिस्क्रिप्टर का साइज 8 कितना है 8 बाइट्स है। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ये 13 है 2 रेज टू पावर और 8 क्या है 2 रेज पर 3 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी सो दिस विल बी 2 रेज पर 16, सो दैट्स व्हाई द डिस्क्रिप्टर टेबल का साइज क्या है 64 किलोबाइट, ठीक है। ये सबको क्लियर है, ग्लोबल लोकल 8192 है, हर डिस्क्रिप्टर 8 बाइट्स का होता है, दोनों को बेसिस में लिख लें 2 की, दिस इज 2 रेज पर 13, 8 को लिखें 2 रेज पर 3, पावर्स ऐड करें 2 रेज पर 16 बनेगा, दैट्स व्हाई 64 किलोबाइट हर डिस्क्रिप्टर टेबल का साइज होता है। बेस एड्रेस 24 और 32 बिट का हो सकता है, 286 के केस में 24 बिट्स का होगा, 386 एंड ऑनवर्ड 32 बिट्स का होगा। लिमिट डिफाइंस द साइज ऑफ एप्लीकेशन है, एंडिंग एड्रेस कैसे बनेगा, बेस एड्रेस प्लस लिमिट, तो लिमिट की एक्चुअली जो वैल्यू है दैट विल गिव यू द साइज ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। और एड्रेस कहाँ से आएगा, दैट विल कम फ्रॉम द बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस में लिमिट ऐड करेंगे सो यू विल हैव द एंड एड्रेस, या लिमिट को आप कन्वर्ट कर लें डेसिमल में, अल्टीमेटली दिस विल बी द साइज ऑफ द सेगमेंट। जी बिट ग्रैनुलैरिटी बिट कहलाता है, अगर जी जीरो है तो लिमिट 20 बिट्स की होगी और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट इज 50s इन हेक्सा, द लास्ट एड्रेस विल बी 5f's इन हेक्सा। तो अगर आपके पास G1 है ग्रैनुलैरिटी बिट, सो 20 से 32 बिट्स बनाने के लिए आप इसमें अपेंड करते हैं 3 zeros, ठीक है। 3 zeros अपेंड करने का मतलब है एक हेक्सा में 4 बिट्स हैं, सो 3 डिजिट्स अपेंड करने का मतलब है कि 12 बिट्स इन बाइनरी, तो 2 रेज पर 12 करेंगे सो इसका मतलब क्या होगा 4k। तो जो भी आपके पास इसमें वैल्यू आती है आप उसको 4k से मल्टीप्लाई करते हैं टू मेक इट ऑफसेट एड्रेस ऑफ 32 बिट्स। बोले फैजल? यस बोले, माइक को देख लें, आवाज आपकी बहुत मुश्किल से आ रही है समझ। ओके, इफ जी इज जीरो, जी का जो रोल है ग्रैंड बिट का वो 386 एंड ऑनवर्ड आता है, उस केस में लिमिट की वैल्यू 20 बिट्स की होती है। अगर जी जीरो है तो लिमिट 20 बिट्स की ही रहेगी, 20 बिट्स का मतलब है द स्टार्टिंग एड्रेस विल बी 50s इन हेक्सा, लास्ट एड्रेस विल बी 5f's इन हेक्सा। बट इफ द वैल्यू ऑफ जी इज 1 तो लिमिट की वैल्यू को आप 4k से मल्टीप्लाई करेंगे। 4k से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि जो नंबर पहले आपको 20 बिट्स आ रहा था अब वो 32 बिट्स का हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, हमें कब जरूरत पेश आती है, जिस वक्त आपका मेमोरी के सेगमेंट का साइज 4 गीगा होता है मैक्सिमम आप जो बना सकते हैं 2 रेज पर 32, तो ऑफसेट अगर आपने 20 से इंक्रीज करना हो 32 में सो यू विल अपेंड 3 zeros, जस्ट लाइक वी अपेंडेड इन द रियल मोड के एक जीरो लगाया था हमने 16 से 20 बनाने के लिए, तो 20 से आप 32 बनाने के लिए 3 zeros लगाएंगे, तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है यू विल मल्टीप्लाइड बाई 4k, 2 रेज पर 12 करेंगे तो आपको 4k मिलेगा, उस वक्त होगा जब ऑफसेट आपके पास 32 बिट का होगा। ये डी बिट आपको बताती है कि अपर जो 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड है या 32 बिट है, सो इफ डी इज जीरो यू विल हैव 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड, और अगर डी वन है तो 32 बिट इंस्ट्रक्शन मोड होगा। ए वी बिट अवेलेबिलिटी बिट बताती है आपको कि सेगमेंट वो अवेलेबल है या नहीं है, अगर ए वी की वैल्यू 1 है सेगमेंट इज अवेलेबल, इफ ए वी इज 0 सेगमेंट इज नॉट अवेलेबल।
टेस्ट राइट पे वापस आते हैं, पहले इसकी एग्जांपल देख लें एक। ये अब सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू है, इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। सेगमेंट रजिस्टर टोटल साइज 16 बिट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 15। इसमें जो फर्स्ट टू बिट्स हैं इसको कहा जाता है RPL, RPL एब्रिवेशन है रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल का। और अगेन वी रिजर्व द टू बिट्स। सो चैप्टर टू में हमने IOPL पढ़ा था, तो इसका ताल्लुक RPL के साथ है कि जो यूज़र डिफाइन करता है। सो 00 सेट करेंगे, इसका मतलब हाईएस्ट है, और 11 इट इज़ कॉल्ड द लोएस्ट। ठीक है, इसकी डिटेल आगे आ जाएगी। अगेन दो बिट्स रिजर्व करते हैं हम टू सेट द प्रायोरिटी और प्रिविलेज लेवल। T1 बिट आपको बताती है कि जो डिस्क्रिप्टर आपका स्टेबल है वो लोकल होगा या ग्लोबल होगा। अगर T1 0 है तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर होगा, अगर 1 है तो लोकल होगा। सो 3 बिट्स यहाँ रिजर्व हो जाती हैं। सो रिमेनिंग 13 बिट्स सेलेक्टर के लिए रिजर्व की जाती हैं। इसका पर्पस ये होता है कि आपको 8192 डिस्क्रिप्टर में से कोई एक डिस्क्रिप्टर आपको सेलेक्ट करके दे। ठीक है, सो RPL हायर और इक्वल होना चाहिए DPL से। तो जो सेगमेंट आप बना रहे हैं आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी, अदरवाइज जो है वो एक्सेस आपको अवेलेबल नहीं होगी। थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। लेट से अब क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा। सो फॉर एग्जांपल लेट से वी हैव अ डेटा सेगमेंट और उसकी वैल्यू गिवन है आपको 888008। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। अगर क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। Once we done the example, then we conclude the lecture. Okay. First of all, the value of data segment is given 0008. That value is in hexa. So, क्यों चार डिजिट हैं? Because segment register 16 bit का होता है। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप इसको binary में लिख लें। ठीक है? मुझे ये बताएं कि इसकी binary क्या होगी? 3 तो zeros आ जाएंगे आपके पास। तो 8 की binary क्या होगी? 1000. क्या ख्याल है? 8 की बाइनरी क्या होगी? यस सर, 1000। यहाँ लिख लेते हैं इसको ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए थोड़ी सी। 1000। अब आपने इसको कंपेयर करना है, बाकी तमाम वैल्यू जीरो हैं डिपेंडिंग अपॉन द डाटा कि आपको क्या वैल्यू गिवन है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं RPL की क्या वैल्यू है। अब आपने इसको कंपेयर करना है जो आपको ये मॉडल दिया है, गिवन है ब्लॉक डायग्राम। RPL की क्या वैल्यू है इस केस में? सर दोनों इक्वल आपके पास आ गया, उसकी वैल्यू दोनों 00 है। T1 0 है तो कौन सा डिस्क्रिप्टर होगा? ग्लोबल डिस्क्रिप्टर होगा। अगला काम आपने क्या करना है, ये तमाम बिट 0 है, पहले 3 डिजिट 0 है ना एग्जाम में, वो सारे जीरोज आपने लिख लिए। सो ये एक नंबर बनेगा आपके पास 13 बिट का। ये इसकी LSB है, इसका वेट क्या होगा? 2^0। क्या ख्याल है? अगर ये 13 बिट का नंबर एक आप मिला लें, सो LSB का वेट क्या होगा? 2^0 होगा, देन 2^1, 2। अगर टोटल 13 बिट्स हैं तो लास्ट बिट का वेट क्या होगा? 2^12। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। अभी ये तमाम जीरो है, सिर्फ एक वन पड़ा हुआ है, तो कौन सा डिस्क्रिप्टर होगा ये, उसका नंबर क्या होगा? पहला डिस्क्रिप्टर होगा, डिस्क्रिप्टर नंबर 1। अगर ये सारे जीरो होते, यहाँ 1 होता, तब क्या होता? 2+1, 3 हो जाता। ठीक है, 2^0 वाली बिट 1 है और 2^1 वाली बिट 1 है, तो 2+1 विल बी 3 डिपेंडिंग अपॉन द डाटा कि आपको क्या गिवन है। बट इन दिस स्पेसिफिक केस एज ऑल द बिट्स आर 0, ओनली देयर इज सिंगल 1 दैट इज एट द LSB, सो वी सिलेक्ट द डिस्क्रिप्टर नंबर 1। सो सबसे पहला काम ये है कि जो भी आपको सेगमेंट रजिस्टर की या डाटा सेगमेंट की वैल्यू गिवन है उसको आप बाइनरी में लिख लें। तो इससे आपको तीन चीज़ें मिलेगी, RPL की वैल्यू, T1 बताएगा कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर है या लोकल है, और डिस्क्रिप्टर का नंबर आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये सेलेक्टर का भी आ गया, टी का भी समझ आया, RPL ये नहीं समझ आया मसलन ये 00 क्या? हाँ, RPL का मतलब ये है, जैसे हमने IOPL में देखा था कि अभी तक हमारे पास RPL की वैल्यू आ गई है कि 00 है। अब डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल आएगा एक्सेस राइट से, फिर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे कि जो सेगमेंट आप बनाने जा रहे हैं यूजर को उसकी एक्सेस है या नहीं है। अगर एक्सेस मिलेगी तो RPL शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू DPL। वी हैव द RPL, वंस वी फाइंड द DPL फ्रॉम द एक्सेस राइट,
देन हम देख सकते हैं कि क्या ये वायलेशन तो नहीं हो रही, कंडीशन ट्रू है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप ये बीपीएल कितने लिखा, बीपीएल पे आते हैं वो एक्सेस राइट से मिलेगा ना, मैंने यही अर्ज किया है कि एक्सेस राइट पे जब हम जाएंगे वहां से हमें डीपीएल मिलेगा, फिर हम कंपेयर करेंगे आरपीएल और डीपीएल को। ठीक है, पहली चीज़ आपको क्या गिवन होगी, क्वेश्चन समझ लेंगे किस तरह से आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। आपको ये चीज़ हम देंगे, कोई भी वैल्यू दे देंगे डेटा सेगमेंट की या किसी भी सेगमेंट की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको बाइनरी में डिकोड करना है। क्यों करना है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर पी एल, टी वन और डिस्क्रिप्टर नंबर। ये तीन चीज़ें आपको इससे मिल जाएंगी डाटा सेगमेंट से या जो भी सेगमेंट गिवन है। दूसरी चीज़ हम आपको ये देंगे, डिस्क्रिप्टर टेबल देंगे 0 से 7, उसमें बाइट्स होंगी और उसमें डमी डाटा पड़ा होगा, ऐसे चेंज भी हो सकता है, इस एग्जांपल में ये डाटा पड़ा होगा। ये बात समझ आ गई सबको? अब अच्छा, अब अगला काम क्या होगा देखें। अब मुझे ये बताएं, अभी थोड़ी देर पहले हमने दो मॉडल देखे थे, देखें 286 देखा था और 386। 286 की निशानी ये है, अगर तो क्वेश्चन में बता दिया है कि जो प्रोसेसर है वो 286 है, फिर तो ठीक है। नहीं बताया हुआ तो 286 में याद रखना है आपने कि बाइट नंबर 6 और 7 देखें, दोनों जीरो हैं एग्जाम में, दोनों जीरो हैं। क्यों? क्योंकि बेस एड्रेस इसका 24 बिट का होता है। 386 में बेस एड्रेस की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, यहाँ भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, अदरवाइज क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देंगे हम कि 286 वाला डिस्क्रिप्टर लेना है या 386 वाला लेना है। ठीक है, सो लेट्स से इन दिस केस अब देखें बाइट नंबर 6 में 10 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि 386 प्रोसेसर है या 386 एंड ऑनवर्ड कोई प्रोसेसर है, यह क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। ठीक है, ये डमी डाटा आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। ओके, अब अगला काम ये है कि आपने बेस एड्रेस, लिमिट और एक्सेस राइट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब इसको कंपेयर करना है आपने मॉडल के साथ। अब ये समझते जाइएगा कि लिमिट बाइट नंबर 0 और 1 से मिलेगी और बाइट नंबर 6 का पहला डिजिट मिलेगा, ये मिलके 20 बिट्स बनाएंगे। ठीक है, अब मैं उस पर वापस आता हूँ, ये आपके पास डायग्राम सामने होगी तो आपने कंपेयर करते रहना है। ओके, बेस एड्रेस देखें किन किन बाइट से मिलेगी, बाइट नंबर 2, 3, 4 और 7, चार बाइट्स मिलके 32 बिट्स बनाएंगे, बिकॉज 386 एंड ऑनवर्ड प्रोसेसर है तो बेस एड्रेस 32 बिट का होना चाहिए। अब हम बाइट बाय बाइट डाटा सिर्फ यहाँ से यहाँ लिखते जाएंगे। अब देखें बाइट नंबर 2 की क्या वैल्यू है, शाबाश बताएं। 00 00। अब ये मुझे कौन बताएगा, यहाँ दो डिजिट क्यों नजर आ रहे हैं हर लोकेशन पे? शाबाश, हर लोकेशन पे एक बाइट पड़ी हुई है, एक बाइट के अंदर दो हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं, 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आपको दो डिजिट नजर आ रहे हैं। हर लोकेशन पे एक सिंगल बाइट स्टोर करते हैं आप। एक बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट्स। 8 बिट्स का क्या मतलब होता है, दो हेक्साडेसिमल डिजिट। ओके, अब आपने ख्याल रखना है सबसे पहले बाइट नंबर 2 की वैल्यू लिखनी है LSB साइड पे। सबसे पहले बाइट नंबर 200 है तो यहाँ 00 लिख दिया। बाइट नंबर 3 की क्या वैल्यू है, AB, देन ए भी लिख दिया। ये इसी तरीके से लिखना है, ये ना हो आप बी पहले लिख दें, ये पहले लिख दें। ओके, 4 पे क्या है, 10 10 लिख दिया। 7 पे क्या है, 00। तो दिस इज द बेस एड्रेस। ठीक है, मॉडल से जो आपको डिस्क्रिप्टर दिया हुआ था ब्लॉक डायग्राम, उसे कंपेयर करना है। बाइट नंबर 2, 3, 4 एंड 7 विल गिव यू द बेस एड्रेस। जस्ट यहाँ से डाटा से उसको उसी सीक्वेंस में लिख दिया आपने। ओके, देन लिमिट 20 बिट्स की होती है इसमें। बाइट नंबर 0 पहले लिखी जाती है, बाइट नंबर 1 से डाटा मिलता है और 6 की लोअर डिजिट लेना है आपने। 6L का मतलब क्या है, लोअर डिजिट लेना है पहला, राइट साइड वाला। ठीक है, ओके, बाइट नंबर 0 की क्या वैल्यू, FF लिख दिया। बाइट नंबर 1 क्या है, 00 00 लिख दिया। 6 की पहली लोअर डिजिट क्या है, 00 लिख दिया, 000FF। अब ये जो नंबर आएगा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, FF को कन्वर्ट करेंगे 255 आएगा, लेकिन जीरो नहीं आता कैलकुलेटर में, हम एड्रेस 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 251 में प्लस 1 ऐड करना है आपने। सो दैट्स व्हाई जो साइज ऑफ द सेगमेंट है वो 256 बाइट्स लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आगे चले। अब जो रिमेनिंग बिट्स हैं इसकी, इसमें ए बी की वैल्यू 1 है, देखें 6 का जो दूसरा हाफ है, और चले इसको कंपेयर कर लें, 6 का जो दूसरा हाफ है उसकी वैल्यू 1 है। देखें 1 लिखेंगे तो 0001 आ जाएगा। ठीक है, अब वो जस्ट लिख देंगे ये वैल्यू आ रही है, अब नीचे आ जाते हैं।
ओके, ए बी की वैल्यू 1 होगी, डी 0 है, इसका मतलब है 16 बिट इंस्ट्रक्शन है, जी 0 है, ठीक है, लीनियर लिमिट है, यानी इसको 256 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना होता तो 256 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आपके पास 4K से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आपके पास नंबर आ जाता, ठीक है, बट इन दिस केस जी इज 0, सो लिमिट की वैल्यू एज इट इज रहेगी 256। ओके, यहाँ तक आपको पता लग गया। अब जो लास्ट फेज है, ठीक है, ये ब्रेक करके दिखाया गया है, ये डेस्टिनेशन नंबर 1 है, T1 0 है, दैट्स व्हाई ग्लोबल है, RPL की वैल्यू 0 है, डिस्क्रिप्टर नंबर 0 को नल का डिस्क्रिप्टर कहा जाता है और उसको हम यूज नहीं करते, यानी पहला डिस्क्रिप्टर 1 ही है। ओके, अब लास्ट जो फेज है, अब उसको देख लें। एक्सेस राइट होता है बाइट नंबर 5, उसकी वैल्यू है 9E। 9E को आपने कन्वर्ट कर लेना है बाइनरी में, तो 9 की बाइनरी होती है 1001, ठीक है, और E की बाइनरी 14 है, इसकी बाइनरी हो जाएगी 1110, ठीक है। अच्छा, अब इसको कंपेयर करना है आपने एक्सेस राइट से, ये एक्सेस राइट की डिटेल है, इसको थोड़ा सा देख लें फिर हम इसके ऊपर जाएंगे। सो ये 0 to 7 1 बाइट है, क्या बताती है, डिस्क्राइब हाउ द मेमोरी सेगमेंट फंक्शंस इन द सिस्टम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लें फिर हम इसको अप्लाई कर लेंगे उस पर डाटा पे। पी बताता है आपको सेगमेंट डिफाइंड है या अनडिफाइंड है, पी अगर 0 है तो अनडिफाइंड होगा सेगमेंट, यानी पी 1 होना चाहिए वैलिड सेगमेंट के लिए। जो बिट नंबर 5 और 6 है ये DPL की वैल्यू देती है, डिस्क्रिप्टर पर एलिजिबल, रूल उसके लिए वही है कि 0 0 होगा तो हाईएस्ट है, 1 1 है तो लोएस्ट है। एस आपको बताता है सिस्टम डिस्क्रिप्टर है, कोड या डाटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है। अच्छा, ED/C W/R ये आपको इन टेबल से पता लगता है, दो केसेज हैं इसमें देखें। अगर ई 0 है तो ये फॉलो होगा, अगर ई 1 है तो ये फॉलो होगा। अगर ई 0 है, डिस्क्रिप्टर डिस्क्राइब द डाटा सेगमेंट, डिस्क्रिप्टर बता रहा है कि डाटा सेगमेंट है। ED का मतलब होता है एक्सपेंशन डाउनवर्ड, सेगमेंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ED 0 है, इसका मतलब है सेगमेंट एक्सपेंड अपवर्ड, बेस एड्रेस से ऊपर की तरफ जाएगा सेगमेंट, प्लस होगा ऑफसेट। ED 1 है तो डाउनवर्ड आएगा। W बताता है क्या आपके पास राइट है, कि आप डाटा राइट कर सकते हैं कि नहीं। अगर W 0 है, डाटा मे नॉट बी रिटर्न, W 1 है तो डाटा मे बी रिटर्न। ED 1 है तो डिस्क्रिप्टर डिस्क्राइब द कोड सेगमेंट। ई बताता है कि DPL को इग्नोर करना है या अवॉइड करना है, ठीक है, इग्नोर DPL, अवॉइड DPL। आर बताता है क्या कोड सेगमेंट जो आपने बनाया है, क्या उसके पास रीड के राइट्स हैं या नहीं है। आर 0 मे नॉट बी रीड, आर 1 मे बी रीड। ए आपको बताता है कि जो सेगमेंट आपने बनाया है, क्या उसको एक्सेस कर लिया गया है कि नहीं, स्टेटस बताता है। इफ ए 0 सेगमेंट इज नॉट एक्सेस्ड, इफ ए इज 1 सेगमेंट हैज बीन एक्सेस्ड। सो ये आपको गिवन होगा, आप जिसको उसे कंपेयर कर लेंगे। अब हम डाटा डाल के उसको देखते हैं कि हमारे पास रियल में क्या डाटा था। 9E था तो आपने सबसे पहले इसकी बाइनरी लिख ली, तो P1 आ रहा है, इसका मतलब है सेगमेंट डिफाइंड है। नेक्स्ट टू वैल्यू 0 0 है, यहाँ RPL नहीं आएगा, यहाँ DPL आएगा, तो DPL 0 0 आ रहा है। सो RPL भी 0 0 है, DPL भी 0 0 है। सो क्या कंडीशन होनी चाहिए जो पहले लिखी गई थी, RPL शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू DPL टू एक्सेस द सेगमेंट। तो दोनों 0 0 हैं, इसका मतलब है दोनों हाईएस्ट हैं, और इक्वल है, इसका मतलब है जो सेगमेंट आप बनाने जा रहे हैं, यू कैन एक्सेस दैट सेगमेंट। ओके, E1 है, E1 के लिए क्या होगा, दोबारा इस टेबल पे देखें। E1 है तो डिस्क्रिप्टर डिस्क्राइब द कोड सेगमेंट, तो इसका मतलब ये है कि जो आप टेबल है, टेबल आपको किसी सेगमेंट की तरफ लेके जा रहा है, वो कौन सा सेगमेंट है, कोड सेगमेंट है। अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे, उसका बेस एड्रेस लिखा गया है 10AB00, 00 भी लिखना चाहिए यहाँ अमूमन, 20 लेफ्ट साइड पे भी लगाएंगे, ठीक है, और उसमें लिमिट की वैल्यू ऐड की है FF, और लास्ट एड्रेस फाइंड कर लिया 10ABFF, ठीक है। बेस एड्रेस में लिमिट ऐड की जाएगी टू फाइंड द लास्ट एड्रेस, सो दिस इज द बेस एड्रेस, दिस इज द लास्ट एड्रेस बाय एडिंग द लिमिट। ओके, और सेगमेंट कौन सा, कोड सेगमेंट है, किसने बताया, ई ने बताया कोड सेगमेंट है। आगे 1 1 है, उसको रीड कर सकते हैं, और सी की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब अवॉइड करना है अपने प्रिविलेज लेवल को। ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है सेगमेंट हैज नॉट बीन एक्सेस्ड। सो दैट कंक्लूड्स दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में देख लें, कोई चीज़ अगर नहीं समझ आएगी तो पूछ लें। अभी तक की जो एग्जांपल कराई है सबसे मुश्किल यही है पूरे, थोड़ा सा तो देखिए ज़रूर है, बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, ये नोट्स आपके फाइल सेक्शन में है, इसमें डमी डेटा रख के देखें,
कोशिश करके जो एक असाइनमेंट है मैं कोशिश करता हूँ उसमें ये चैप्टर टू के लास्ट में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर लें। बाकी डाटा चेंज करके देखें और एक फ्लो के साथ चलें तो होपफुली मुश्किल नहीं होगी आपको चीज़ें, जस्ट वो टेबल्स मौजूद हैं उसको कंपेयर करके और इंटरप्रिटेशन ज़्यादा है ठीक है, और याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं कि प्रोसेस क्या है फ्लो कैसे होगा। बट एक वंस आप एक दो इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट। ओनली जो इसमें हम चीज़ चेंज कर सकते हैं वो क्या है कि जस्ट ये सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो सकती है और जो यहाँ डाटा रखा हुआ है वो चेंज हो सकता है डमी, बाकी जो प्रोसेस है और जो चीज़ें हैं वो सबके लिए सेम होगी। सर जी जो दो तीन टेबल आप साथ साथ लेके चल रहे थे ई में ए आर पी एल में ये टेबल हमें गिवन होंगे साथ फिजिकल एग्जाम तो कोशिश करेंगे, बट डिस्क्रिप्टर मेरी राय है कि आपको एडवाइस है कि ये आप मतलब याद रख लें, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे आपको, सेम एलिमेंट आनी है उसके बाद बेस एड्रेस एक्सेस राइट कॉमन होता है और एक दफ़ा एक दो एग्जाम्पल करेंगे याद हो जाएंगे आपको। ये वाला आपको देना चाहिए, ये थोड़ा मुश्किल है इसको याद रखना। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो है आपके पास तो सिर्फ डाटा ही चेंज होगा, बाकी प्रोसीजर आपने सीख लिया है तो यू कैन डू कर लेंगे आप। सो नोट्स आपके पास हैं सो दैट कंक्लूड्स द क्लास। सो असाइनमेंट में कोशिश करता हूँ उसमें ऐड कर लेता हूँ, अदरवाइज चैप्टर टू के लास्ट में ये डिस्क्रिप्टर के हवाले से तो वो मैं कोशिश करता हूँ उसको ऐड अप कर देता हूँ उसमें ताकि आप वो क्वेश्चन कर लें। तो थैंक यू so much for listening so